हेलो स्टूडेंट, माई सर रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मेजर टेस्ट सीरीज 2022 का पेपर फर्स्ट जेई मेंस का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है सिंगल चॉइस के, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, बट आपको ओनली 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? दी टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1,2। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के एक पॉइंट गिवन है, इस पे 1,2। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करनी है। टेंजेंट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड नॉर्मल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो देन एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो उस ट्राइंगल का एरिया बताओ जो पॉइंट पी ए बी से पास होता है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की ट्राई करें। देखो जैसे लेट, एक बार रफली डायग्राम देखो आप, ये लेट एक्स एक्सिस है, ये लेट वाई एक्सिस है, ये पैराबोला गिवन है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर एक पॉइंट गिवन है आपको पी 1,2। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट। ये इसकी टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाई एक्सिस कट करती है लेट पॉइंट ए पर। आफ्टर दैट ड्रॉ करोगे इसकी नॉर्मल। तो एक काम करो, इस वाई एक्सिस को थोड़ा और अप डायरेक्शन में लेके जाते हैं लो। फिर इसी पॉइंट पे आपने ड्रॉ की नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज पॉइंट लेट बी। तो आपसे बोला गया है कि दी एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, सॉरी एरिया, दी एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, जो पॉइंट पी ए बी से आप सर्किल पास कराओगे उसका बताना है एरिया। तो एक बात समझे, तो चलो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इन ऑल थ्री पॉइंट से जब एक सर्किल पास करोगे बेटा, तो देखो ये एंगल 90 है, तो अपने पढ़ा हुआ है कोई भी कॉर्ड अगर सर्कम फ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, तो दिस कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ये आपके सर्किल का डायमीटर है। अल्टीमेटली अगर पॉइंट एयर भी आ गया तो सर्किल का डायमीटर आ गया, मतलब 2r आ जाएगा, और 2r आ गया तो उससे अपन रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी थीम सिंपल है। पहले आप इस पॉइंट पी पे लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको पता है कि अगर पॉइंट लाइज ऑन दी कर्व देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टी इक्वल टू जीरो। टी का मीनिंग वाई स्क्वायर को वाई वन से रिप्लेस करना है, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन वाई टू से। तो चलो कर देते हैं। वाई वाई वन की वैल्यू क्या है, टू, दिस इज टू इन इक्वल टू 4, एक्स प्लस एक्स वन इज वन वाई टू। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अल्टीमेटली पॉइंट ये कितना आ गया, 0,1। सिमिलरली अपन अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। तो सिंपल सा फंडा है, देखो टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1, क्योंकि नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगेन इक्वेशन इज नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब अपन को पॉइंट बी लाना है, तो अगेन एक्स को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप एक्स को 0 लोगे बेटा, तो वाई कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो ये पॉइंट आ गया 0,3। अल्टीमेटली डिस्टेंस क्या चुकी है, ये 1 है, ये 3 है, तो 2r आ गया 2, ये डायमीटर 2 आ गया, तो रेडियस क्या होगी 1। और अगर रेडियस 1 है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है ना, तो एरिया क्या होगा पाई। तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। लेट ए एन वी दी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर विच आर इन ए पी। मतलब अल्टीमेटली एक ए पी सीक्वेंस के मैंने, जिसकी फर्स्ट टर्म ए वन टू है, ए वन ए सॉरी ए टू ए फाइव प्लस ए वन, ए टू ए फाइव प्लस ए सेवन अज्यूम्स इट्स लीस्ट वैल्यू। मतलब दिस पार्ट की वैल्यू अगर मिनिमम है, लीस्ट है, तो देन ए टू इक्वल टू। तो बहुत सिंपल सी थी, मैं देखो क्या करना है आपको, एक ए पी गिवन है लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, ये ए पी है। ए पी की फर्स्ट टर्म गिवन है आपको ए वन इक्वल टू डी। आपको दिस पार्ट को मिनिमम करना है, सॉरी ये टू है, इसको जेड लेट कर देते हैं। जेड इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ए टू ए फाइव प्लस ए सेवन। दिस पार्ट की वैल्यू लिस्ट करनी है, तो एक काम करो पहले ए टू की वैल्यू तो क्या होगी, ए प्लस डी
फर्स्ट टर्म का मतलब ए वन प्लस कॉमन डिफरेंस, ए फाइव का मतलब ए वन प्लस फोर डी, और लास्ट इज ए प्लस या ए वन प्लस सिक्स डी। ठीक है, तो जेड इससे कितना जाएगा, देखो ए वन कितना है, टू प्लस डी आ गए, ये आ गया टू प्लस फोर डी, और ये आ गया टू प्लस सिक्स ऑफ डी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्टीमेटली जेड कितना आ गया, देखो डी और फोर डी इट्स फोर डी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो टू ऑफ डी, देखो सुनो इसको तो इससे मल्टीप्लाई किया तो टू डी आ गया, इसको इससे किया तो एट डी, एट डी और टू डी, एट डी और टू डी टेन डी, और सिक्स डी सिक्सटीन डी आ गया। और उसके बाद देखो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी अचीव होगी, टू और टू फोर और टू सिक्स, ये आ गया। तो एक काम करो उसको अपन होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, टू डी प्लस फोर का होल स्क्वायर। ध्यान दो क्या गया, टू डी प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस, देखो एक्स्ट्रा कितना आएगा, फोर डी स्क्वायर सिक्सटीन डी माइनस सिक्सटीन, तो माइनस के टेन आ गया। अब सुनो ये जेड करना है मिनिमम, तो अपन को पता है होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टेन। ये कब अचीव होगी, जब आप दिस पार्ट को जीरो लोगे, और इससे डी कितना जाएगा, माइनस के टू। आपको बोला गया कि ए टू ए फाइव प्लस ए सेवन इज मिनिमम, तो आपने ए टू ए फाइव और ए सेवन की वैल्यू को पुट किया इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉमन डिफरेंस। जब भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको कन्वर्ट करोगे सिंगल वेरिएबल में। तो अपनी थीम क्या थी, आपने ए टू ए फाइव और ए सेवन को पुट किया कॉमन डिफरेंस की टर्म में, क्यों, क्योंकि ए वन तो आपको गिवन था, तो उससे देन वी विल गेट क्वाड्रेटिक इन डी, आपको डी में क्वाड्रेटिक फाइंड आउट हुई, और इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है कि इसको बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी, और एक कब अचीव होगी, जब वेन दिस पार्ट जीरो, और ये जीरो कब होगा, जब डी को माइनस टू लोगे, तो कॉमन डिफरेंस माइनस टू आ गया। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है इसकी सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए वन प्लस कॉमन डिफरेंस डी, ये भी टू है, ये माइनस टू है, तो ए टू टर्म क्या होगी, जीरो होगी। तो यस सर, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रोन फ्रॉम दी पॉइंट 3,4 टू दी एलिप्स ऑफ दिस पार्ट। आपको एक एलिप्स गिवन है, इस एलिप्स पर एक पॉइंट है 3,4, इस पॉइंट से आपने ड्रॉ की टेंजेंट्स, क्या ड्रॉ की बोलो, टेंजेंट्स। तो आपसे पूछा गया है देन दी एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन दी टेंजेंट्स, आपको इन दोनों टेंजेंट के बिटवीन क्या बताना है, एंगल। थोड़ा केयरफुली समझे इसको, जब भी एक पॉइंट से आप, वो सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला, कुछ भी हो, जब भी दो पेयर ऑफ टेंजेंट के बिटवीन एंगल की बात करें, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका लिखोगे डायरेक्टर सर्किल। अभी समझोगे, एक नोट है बहुत अच्छा सा, तो एक बात बताओ, अगर ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, अपने पढ़िए डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 16 और 9 25 आ गए लो। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्टर सर्किल का मीनिंग क्या था, डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे अपन किसी भी कर पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो लोकस है उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। तो एक बात सुनो, ये जो पॉइंट है ना 3,4, ये पॉइंट देखो इसकी डायरेक्टर सर्किल को क्या करता है, सेटिस्फाई। अल्टीमेटली जो डायरेक्टर सर्किल बनाओगे इस एलिप्स का, वो ऐसे बनेगा, और डायरेक्टर सर्किल पे कोई भी पॉइंट लो, उससे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, तो बहुत टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अल्टीमेटली एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आपसे पेयर ऑफ टेंजेंट में एंगल की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कर्व की लिखोगे डायरेक्टर सर्किल, और जो पॉइंट है अगर वो पॉइंट उस डायरेक्टर सर्किल को क्या करता है, सेटिस्फाई, तो सीधा साधा आंसर है 90 डिग्री। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, पहले दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करो, दो ऑप्शन है, या तो पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो SS1=T², या फिर अपन दोनों की सेपरेट इक्वेशन भी बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन 4, इट्स ए गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझने की ट्राई करें, देखने में तो सिंपल है। दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट अटेंड
इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 07 में. ये फंक्शन ओनली 07 में डिफाइन है. 0 पर ओपन क्यों है? क्योंकि x अपॉन में है. और लेस देन 1 क्यों? क्योंकि ये 1 से ग्रेटर पे नेगेटिव बन जाएगा. तो अपन को बताना है कि बताओ दिस फंक्शन इज अटेंड मिनिमम वैल्यू देन एक्स इज. एक्स की किस वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है? देखो एक ऑप्शन तो क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करना. ये फंक्शन गिवन है, एक बार इसका कर दो डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स. डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स को 0 कर दो, उससे एक्स की वैल्यू अचीव होगी. और जो भी वैल्यू अचीव होगी वो बेटा लाइज बिटवीन दिस पार्ट, ओनली इसके बिटवीन होनी चाहिए. ठीक है, चलो लेट वो वैल्यू मिलती है एक्स वन, वो एक्स वन वैल्यू है. आपने क्या किया, इसका एफ डैश एक्स किया. ये मेथड समझो, एफ डैश एक्स को आप 0 करो, देन वी विल गेट एक्स वन विच इज लाइज इन दिस पार्ट. इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. और आपको मिनी वैल्यू चाहिए, तो क्या ऑप्शन है? एक तो उस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, और एक एक्सट्रीम पॉइंट पे. तो 0 पे तो बात कर ही नहीं सकते ना, ओनली 1 पे. इन दोनों पे वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जिस पे वैल्यू कम होगी उसी को क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, इसने पूछा अटेंड इट्स मिनिमम वैल्यू. 0 पे बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर एफ ऑफ 0 पे बात करोगे तो 0 नॉट इंक्लूडेड है, तो लिमिट लगाओगे. ठीक है, तो उससे अपन को दिख जाएगा. अगर 0 पे वैल्यू इन दोनों से कम आती है बाई चांस, तो फिर तो लिख देना नॉट पॉसिबल. बट ऑप्शन में ऐसा है नहीं, 100% एक्स वन और वन में, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन में वन तो दे नहीं रखा ना. तो अल्टीमेटली जहां एफ डैश एक्स आप 0 करोगे उस पॉइंट पे इसकी मिनी वैल्यू अटेंड करेगी. ठीक है, ये तो एक नॉर्मल मेथड, इसको आप करोगे. ठीक है, जो अपन करते हैं एओडी में. उसके बाद एक दूसरा मेथड देखो, बहुत सिंपल मेथड है बट एक लॉजिकल है. देखो क्या किया इसमें मैंने, थोड़ा केयरफुली सुनना. एक्स आपका 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू देखो ऑलवेज 1 से छोटी होगी ना, क्योंकि 1 माइनस 1 से लेस, 1 से लेस और 1 से लेस का रूट 1 से लेस. और देखो x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, 1 प्लस पॉजिटिव इज 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर का रूट ऑलवेज क्या होगा? 1 से ग्रेटर. अल्टीमेटली फर्स्ट रूट तो 1 से ग्रेटर है और सेकंड रूट 1 से लेस है, मतलब डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव है. इसका मतलब एफ एक्स भी ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव. तो अल्टीमेटली मैं इसकी स्क्वायरिंग कर सकता हूँ. इसको मैंने मान लिया जेड स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करने पे जेड स्क्वायर कितना जाएगा? 1 प्लस 4yx, बहुत अच्छी टेक्निक है देखना, प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 रूट ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 प्लस 4yx इंटू 1 माइनस एक्स. अब ये क्या आ गया? 1 एंड 1 2 आ गया, तो 2 प्लस 4yx माइनस एक्स माइनस के 2 रूट, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो आ गया 1 माइनस एक्स, और प्लस 4yx से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4yx माइनस के 4. चलो एक स्टेप और लिख देते, तो ये आ गया 2 प्लस 4yx माइनस एक्स माइनस 2 रूट ऑफ, देखो 4yx माइनस एक्स और माइनस के 3. तो एक काम करते हैं ना, देखो दोनों एक जैसे हैं, ये जो वेरिएबल पार्ट दोनों में एक जैसा है. तो मैंने ये काम किया, इस अंदर वाले पार्ट को एन स्क्वायर लेट कर लिया. थोड़ा केयरफुली सुनना, अपन इसमें लेट कुछ भी लेट कर दो नो प्रॉब्लम. 4yx माइनस एक्स माइनस 3 को अपन ने क्या मान लिया? लेट टी स्क्वायर. अगर इसको टी स्क्वायर कंसिडर करोगे आप, तो ध्यान दो अपना क्वेश्चन आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू, देखो 4yx माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? टी स्क्वायर प्लस 3. तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 3 और 2 और आ रहा है, तो आ गया टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 2 ऑफ टी आ गया. इतना आने के बाद ये होल स्क्वायर बन गया बेटा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4. अब क्वेश्चन में बोला गया है जेड स्क्वायर इज मिनिमम. आप जेड को मिनिमम करो, जेड स्क्वायर को नो प्रॉब्लम, क्योंकि जेड भी आपका पॉजिटिव है तो जेड स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे वैल्यू इंक्रीज करेगी, कम है तो कम होगी वैल्यू, सिंपल सी बात. तो ये जेड स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम लोगे. और इस होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 0. वो कब होगी? जब टी को ओपन लोगे, सीधी बात. तो टी इक्वल टू 1 पे जेड स्क्वायर इज मिनिमम, अल्टीमेटली एफ एक्स इज मिनिमम. तो क्या करना है? जब टी इक्वल टू 1 लोगे तो ये फंक्शन आपका मिनिमाइज देगा. तो टी का मतलब क्या माना था अपने? 4yx माइनस 1. क्या लिखोगे बोलो? 4yx माइनस, सॉरी, 4yx माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इज 1 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. सबको राइट में शिफ्ट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x
ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स की दो वैल्यू अचीव होंगी, एक वैल्यू तो बेटा नेगेटिव होगी जो लेनी नहीं है, और एक वैल्यू मिलेगी इसमें 2√2 − 2, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है। तो एक अच्छी टेक्निक है, हो सकता है आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंथी, बट लेंथी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस मेथड से जब करोगे ना इस क्वेश्चन को, एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो उसमें भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और होल स्क्वायर करोगे ना तो बेटा वो बनती है वाई क्वाड्रेटिक, और वाई क्वाड्रेटिक को सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा यूजिंग दी हिडन ट्रायल, ठीक है। तो एक सिंपल अप्रोच है, चले नेक्स्ट पार्ट क्या है। कंसीडर मैट्रिक्स ए 2 1 1 2, ए इनवर्स गिवन है अल्फा आई प्लस बीटा ए, वेयर अल्फा बीटा रियल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। तो एक काम करो, देखो आपको इस मैट्रिक्स ए का लेना है इनवर्स, और वो इनवर्स इस फॉर्मेट में चाहिए। तो एक ऑप्शन तो क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते हैं, इसे भी कर सकते हैं, बट एक दो स्टेप लिखनी पड़ेंगी, एडजॉइंट ए अपन मोड ए, ये लिखना पड़ेगा, तो इससे ए इनवर्स आ जाएगा। ये लिखने के बाद आपको जो राइट पार्ट है ना, इसको लिखना पड़ेगा अल्फा आई का मीनिंग 1 0 0 1 प्लस बीटा ए का मीनिंग जो भी गिवन है 2 1 1 2, और उसके बाद इसको ऐड कर दो और उसको ए इनवर्स से कंपेयर करोगे तो अल्फा बीटा में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये, दूसरा ऑप्शन क्या है, जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसका इनवर्स करना फाइंड आउट, तो देन वी कैन यूज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आप सबने पढ़ा होगा कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है बेटा, ठीक है। तो कर देते हैं इसको, ए का मतलब बोलो मैट्रिक्स ऑफ 2 1 1 2 माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो इसको सोल्व करने पे क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 − λ आ गया, 1 − 0 = 1 आ गया, ये 1 होगा, ये 2 − λ आ गया, इसको जीरो कर देते हैं, तो दिस से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, ये आ गया अल्टीमेटली 2 − λ का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 λ, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस 3 = 0। और बाद में क्या करेंगे, लैम्डा को अपन ए रख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा को ए ऑलरेडी यहाँ पुट करो ना, तो ए माइनस ए 0 आ गया ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a + 3। इसका मतलब यही है कि जब आप इधर ए स्क्वायर और ए की वैल्यू पुट करोगे इधर, अब जब भी आप इसमें लैम्डा को ए पुट करोगे तो इस कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा आई लगाना है। अब ए इनवर्स लाना, तो एक काम करो ना, इसको ए से इनवर्स कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए आ गया, माइनस ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा, प्लस 3a inverse = 0। तो देखो कितना सिंपल हो गया, इससे कितना आ गया बोलो, 3a inverse आ गया 4i − a, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपोन में 3 आ गया, इधर भी अपोन में 3 आ गया, तो अल्फा तो आ गया 4/3, बीटा आ गया −k 1/3। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसकी सम क्या होगी बोलो, 1। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती देखो क्या कर सकते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 unit vectors, ए और बी दो आपको यूनिट वेक्टर गिवन है, और दिस पार्ट इज मैक्सिमम, देन ए डॉट बी का मोड। ए डॉट बी का मीनिंग, आप एक काम करो, ये दो वेक्टर हैं, ए कैप का मतलब इसका मॉडल बनना है, इन दोनों के बिटवीन एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये तो दोनों वन है। अल्टीमेटली आपको ए कैप बी कैप का मोड बताना, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे करना है, इसको करना अपन को मैक्सिमाइज, तो इसको जेड मान लेते हैं। हाँ भाई, ए डॉट बी का मीनिंग मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी तो वन आ गया, तो अल्टीमेटली आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको शॉर्टकट पे मैंने सी स्क्वायर लिख दिया। ए क्रॉस बी का मोड, मोड ए मोड बी साइन थीटा, तो माइनस मोड ए मोड बी तो वन हो गया, ये एस आ गया। इसको मैक्सिमाइज करना है तो अपन क्या करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमाइज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करो उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो बेटा आप कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 − s² − s, ये साइन में क्वाड्रेटिक है।
अब अगर ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और उसकी वैल्यू पूछी मैक्सिमम मिनिमम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम दी परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर के कोफिशन को वन बनाओ, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो ये दोनों टर्म क्या बन चुकी हैं, ये बन गया एस प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस किया जाएगा ये वन बाई फोर एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये फाइव बाई फोर आ गया। लो चाहो तो एक काम करो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइव बाई फोर तो पहले आ जाएगा, और ये साइन थीटा प्लस वन बाई टू का। बस इतना करने के बाद बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, देखो क्या करते हैं, पहले गलत तरीका देखो फिर करेक्ट ऑप्शन। इस जेड को मैक्सिमाइज करना है तो ये मिनिमम लेना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट में से जब मिनिमम को माइनस करते हैं तो आंसर कौन सा आता है, मैक्सिमम आंसर आता है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सर बस पहले तो इतना भी तो आना चाहिए ना, ये भी बहुत सोचने वाला पार्ट है कि ऐसे करना है, उसके बाद गलती करते हैं, इतने नहीं पहुंच पाते बच्चे। जेड को मैक्स लाना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो इसको मिनिमाइज करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो लोगे, तो इसको अगर जीरो लोगे तो जेड मैक्स तो आगे फोर बाई फाइव, बट ये कब अचीव हुआ, जब आप इसको जीरो लोगे, और ये जीरो कब होगा, साइन थीटा की वैल्यू माइनस के हाफ, और आपको पता है साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में होती है, मतलब थीटा पाई से बड़ा आ गया ना। बट एक बात सुनो, ये जो दो वेक्टर हैं इनके बिटवीन एंगल आपने थीटा माना है, ये टू वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, ये तो अच्छी बात है कि सो ऑप्शन दे नहीं रखा है ऐसा, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल अगर थीटा है तो बेटा दो वेक्टर के बिटवीन एंगल मैक्सिमम पाई हो सकता है, ध्यान रखें। तो जब भी वेक्टर के अंदर आप टू वेक्टर के बिटवीन एंगल को लेट करते हैं तो उसमें थीटा हमेशा जीरो से पाई लेते हैं, ठीक है, आप पाई से नहीं मान सकते कभी, तो देन इसके अकॉर्डिंग ये तो मेथड हो जाएगा गलत, ये गलत है, मतलब मैं जेड मैक्स ही लिख ही नहीं सकता। तो फिर क्या करना है, मतलब साइन थीटा को माइनस, आपने ना साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा जीरो से पाई है, सीधी बात है, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल हमेशा जीरो से पाई होगा, तो जीरो से पाई में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जेड को मिनिमम लाना है तो बेटा साइन थीटा को मिनिमम जीरो लो आप, क्योंकि साइन थीटा को मिनिमम जीरो लोगे तो हाँ उस केस में जेड मिनिमम हो जाएगा वन, सॉरी जेड को मैक्सिमाइज लाना है तो साइन थीटा को मिनिमम जीरो लो आप, नेगेटिव की तो बात ही मत करो। तो अल्टीमेटली तो ये तो गलत मेथड हो गया, सही मेथड क्या होगा, जेड मैक्स क्या होगा, जब आप इसको जीरो लोगे, इसको जीरो लेने पे वन बाई फोर आ गया, तो फाइव बाई फोर माइनस वन बाई फोर इज वन, तो जेड मैक्स तो वन आ गया, बट ये कब अचीव होगा, वेन साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये इसकी साइन थीटा जीरो आ गया तो थीटा जीरो डिग्री हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इसका आंसर आपको वन फिल करना है। वो तो अच्छी बात है कि अगर थीटा थर्ड में, इसका मतलब हो गया सेवन पाई बाई सिक्स, सेवन पाई बाई सिक्स, ये मोड इसलिए लगाया इस क्वेश्चन में कि बच्चे गलती कर दे, वो तो ऑप्शन दे नहीं रखा, कॉस सेवन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है बेटा रूट थ्री बाई टू, अगर इसमें रूट ऑप्शन रूट थ्री बाई टू होता है तो बच्चे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टॉटोलॉजी, जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट को टॉटोलॉजी चेक करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है आपको पता होना चाहिए, इसमें पी आर क्यू टू स्टेटमेंट है, तो ये ध्यान रखें, जो पी आर क्यू दोनों स्टेटमेंट है ये ट्रू भी हो सकते हैं और एनी वन ऑफ दी फॉल्स या बोथ आर फॉल्स, तो पी कंडीशनल क्यू का मीनिंग पता होना चाहिए, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो पी कंडीशनल क्यू भी क्या होगा, ट्रू, ये एफ टी है फिर भी आंसर ट्रू आता है, ये अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी आंसर क्या आता है, बोलो ट्रू आता है, और अगर ये टी है फर्स्ट टी है बाद वाला एफ है तो फिर इसका आंसर एफ लिखना फॉल्स, ये पता होना, ये टेबल है कंडीशनल की, पी कंडीशनल क्यू इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू तो ट्रू, एफ टी टी एफ एफ टी और टी एफ, इसको ऐसे याद करो, ये टी एफ है तो एफ आएगा हर केस में, तो ऐसे पढ़ते हैं, कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है ऐसा उसमें टेबल बनाओ, और टेबल बनाने के बाद अगर सारे आउटपुट ट्रू आते हैं तो उसको तो बोलते हैं टॉटोलॉजी, और अगर ऑल आउटपुट्स आते हैं फॉल्स तो उसको बोलते हैं फॉल्सी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो देखो एक स्टेटमेंट सुनो, बाकी स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करोगे, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें पी आर क्यू की बात की, तो देखो पहले तो अपन टेबल बनाएंगे इसकी, तो ऐसे लिखना पी क्यू पी कंडीशनल क्यू, ये आउटपुट आ गया, और इस आउटपुट का दोबारा पी के साथ लेना है कंडीशनल, थोड़ा लेंथी बट कर सकते हैं। देखो मैंने अगर इन दोनों को ट्रू माना तो ये टी आ गया, पी तो ट्रू है इसमें और ये भी कैसा है ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बोलो, ट्रू आएगा ना, टी का टी के साथ,
अब अगला सीधा लिखेंगे, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आता है, और फिर पी का मतलब ट्रू है, ट्रू का फॉल्स के साथ आंसर, टी एफ का आंसर अगेन फॉल्स आता है। तो देखो ये क्वेश्चन तो मेरा यही गलत हो गया, जब ये फॉल्स आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना है, जैसे ये देखा ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग करोगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन जाके सारे स्टेटमेंट चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू आएंगे, तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है बट इतना टफ है नहीं, है ना। देखो क्या करना है, इसमें पढ़ो, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन दी ग्राउंड इज अल्फा एंड फ्रॉम पॉइंट इट इज बीटा। किसी टावर के जो टॉप का ग्राउंड पे दो पॉइंट है ए और बी, पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा गिवन है, और ये ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, बीटा अल्फा से बड़ा है। पॉइंट ए एंड बी आर वाई यूनिट अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस आपको वाई गिवन है, एंड बोथ आर सेम साइड ऑफ द टावर, देन वाई वाई टू एक्स इज। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ये एक टावर है, पॉइंट ए इधर माना, तो इस टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा गिवन है, बीटा ज़्यादा है तो इधर मानोगे ना इसको, पॉइंट बी को, इसको बीटा बोल रहा है। इसकी हाइट, सॉरी हाइट थोड़ी बतानी है, क्या पूछा है, वाई अपॉन टू एक्स, तो ये तो वाई बोला गया है हाँ, और एक्स इसकी हाइट है टावर की, हाइट ऑफ द टावर, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो एक सिंपल सी थीम है, इसको आप जेड मान लेना। एक बार तो बड़े वाले ट्राइंगल में आ गया, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, क्या आ गया बोलो, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, और छोटे वाले ट्राइंगल में आ गया, टेन बीटा इक्वल टू एक्स वाई जेड, टेन बीटा इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो कुछ नहीं करना, जेड को एलिमिनेट कर दो, तो ये कितना जाएगा, वाई टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू जेड, और जेड की वैल्यू रिप्लेस करोगे एक्स अपॉन टेन बीटा, मतलब एक्स अपॉन कॉट बीटा इक्वल टू आ गया एक्स। कुछ नहीं करना, इन दोनों में एक्स कॉमन लेना या उधर लेके कॉमन लेना, साइन कॉस में क्वेश्चन को कर देना कन्वर्ट, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को आइडिया है शायद इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से करना क्वेश्चन को, फर्स्ट या सेकेंड जो भी है वो आप देखना, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स माइनस फाइव बाई टू से जीरो में, तो ये मानना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर कोस एक्स एक्स, जीरो पे ए है और जीरो से पाई बाई टू में दिस फंक्शन है, इट्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन ए कॉमा बी। ये फंक्शन अगर एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे वैल्यू एल एच एल और आर एच एल तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एल एच एल का मतलब क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जीरो तो ए आ गया, बहुत सिंपल से तरीके से करें क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स का मीनिंग दिस पार्ट, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एक्स। अब देखो इस लिमिट को सोल्व करना है तो क्या करते हैं, एक्स को जीरो पुट करो, कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो, तो ये वन आ गया, और कॉस एक्स जीरो क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आ गया वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और जब भी वन की पावर इन्फिनिटी की लिमिट को सोल्व करना है तो उसका शॉर्टकट मेथड आपको पता होना चाहिए, क्या करते हैं ए की पावर में लिमिट लगा दो आप, बहुत यूजफुल इंटरमीडिएट फॉर्म में याद होनी चाहिए। और बाद में क्या करो, इसको तो ले आओ मल्टीप्लाई में और अंदर से एक कम कर देते हैं, ये पता होना चाहिए, तो जाएगा कोस माइनस साइन माइनस वन अपॉन, मल्टीप्लाई में कुछ एक होगा तो अपॉन में जाके आ गया साइन। अब जब एक्स को जीरो रखोगे तो बेटा ये बन रही है जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब कुछ मत करो, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म हो तो वेटर ऑप्शन है डीएल लगा दो, क्योंकि बहुत सिंपल है, टिक्नोमेट्री में डीएल मेथड ज्यादा सिंपल है अगर लिमिट का क्वेश्चन टिक्नोमेट्री में गिवन है, अदरवाइज अपन मोस्टली क्वेश्चन में यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कोस जीरो और साइन का कोस, तो देखो होगा क्या,
जीरो रखोगे तो ये तो जीरो बन गया, ये वन और ये वन तो ये माइनस वन आ गया, तो अल्टीमेटली ए आ गया ई की पावर माइनस वन इज वन बाय ई, ये लो तो ए तो आ गया वन अपॉन बी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है ना, अल्टीमेटली बी को भी चेक करना पड़ेगा। ए आ गया, अब बात करते हैं बी की। बी का मतलब अगेन एफ ऑफ जीरो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर एच एल के इक्वल। आर एच एल का मतलब लिखोगे एक्स टेंस टू जीरो प्लस, इसमें टेक्निकली समझना थोड़ा, फंक्शन पुट कर देते हैं जीरो प्लस पे, ये ई की पावर वन वाई एक्स प्लस ई की पावर टू वाई एक्स प्लस ई की पावर थ्री वाई एक्स अपॉन ऑफ ए इंटू ई की पावर टू वाई एक्स बी इंटू ई की पावर। अब देखो आगे थीम क्या है ये समझना, इसमें ही बच्चे भूल जाते हैं कि जीरो प्लस और जीरो माइनस का बिहेवियर क्या होगा। ध्यान रखें जीरो प्लस का मतलब वन अपॉन जीरो प्लस, ध्यान रखना इस बात को, एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे वन अपॉन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है बेटा। जीरो प्लस वन अपॉन जीरो का मतलब जीरो प्लस का मतलब पॉजिटिव जीरो है तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जीरो से जस्ट लेस मतलब नेगेटिव जीरो तो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो प्लस पे देखो ये इन्फिनिटी, ये सब कुछ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, क्या बोलो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। और जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो अपन क्या करते हैं हायर पावर को कॉमन लेते हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इधर तो e की पावर 3x हायर है और इधर e की पावर 3x हायर है, तो आप न्यूमेटर डिनोमेटर में e की पावर 3x ले लो कॉमन, तो ऑटोमेटिक ये 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से इन्फिनिटी होगा वो आपका टर्म कैंसिल आउट होगा। तो e की पावर 3x कॉमन लोगे तो ये आ गया e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस के 1 बाई x और ये 1 बन जाएगा, इधर a डॉट e की पावर माइनस के 1 बाई x और ये बन जाएगा b। अब जीरो रखोगे तो क्या बन गया ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो, तो आ गया वन बाई वी, मतलब ये तो ए था ना तो ए इक्वल टू क्या आ गया वन बाई वी, तो ए तो वन बाई ई है तो बी कितना जाएगा ई आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको बेटा फिल करना है। उसके बाद देखो टेंथ क्वेश्चन क्या है, लेट कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट देन एफ डैश फोर। तो ये अपन को पता है जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल हो तो बेटा मोस्टली क्वेश्चन में अपन उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। तो देखो थीम क्या, बट इसमें देखो इसमें एक काम करते हैं अपन, पहले एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ आप, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटी, अभी समझाते इसको और केयरफुली, ये 4 है बेटा, 4 से x 4t स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ऑफ एफ डैश टी। अब इसको अगेन समझो, देखो इसका मीनिंग ऐसे है आपको एफ डैश 4 लाना है, अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, जब ही एफ डैश 4 हो सकता है तो डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कर देते हैं इसको, तो करोगे फर्स्ट इनटू सेकंड से, और राइट पार्ट में क्या करना है जब भी इंटीग्रेशन का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो यूजिंग न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन का करो 2x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, चलो हो गया कार्यक्रम, इक्वल टू राइट पार्ट में क्या होगा, पहले जब भी न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या करोगे अपर लिमिट पुट करो, तो 4x स्क्वायर माइनस के 2 एफ डैश एक्स और x का तो 1 हो गया, और लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को एफ डैश 4 चाहिए ना, तो कुछ ना करें सीधा एक्स को 4 पुट कर दो, तो क्या आ गया 8 कैपिटल एफ 4 प्लस 16 आ गए, 16 एफ डैश 4 इक्वल टू 16 और 4 64 माइनस के 2 एफ डैश 4, अल्टीमेटली ये आ गया, तो एफ डैश 4 क्या आ जाएगा 18 एफ डैश 4 आ गए, क्या आ गया 18 एफ डैश 4, क्योंकि इसको उधर शिफ्ट करो तो 18 एफ डैश 4 इक्वल टू आ गया फाइनली 64 माइनस 8 एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ से लेके आए, तो क्या दिक्कत है जब आप x को 4 रखोगे तो ये तो बन गया एफ ऑफ 4, और 4 से 4 में 0 बन गया ना, ये तो कॉन्स्टेंट है 0 में चला गया, तो एफ ऑफ 4 0 आ गया, इसमें क्या आ गया बोलो एफ ऑफ 4 इज 0, तो एफ ऑफ 4 0 तो 0 में चला गया, तो अल्टीमेटली एफ डैश 4 क्या होगा बोलो 64 बाई 18, यस सर।
टू से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 32/9। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 20। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको एक्स की पावर 20 का क्या बताना है कोफिशियंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यह जाएगा इक्वल टू, सॉरी तो सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या गया, इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, इसका ले लेते हैं अपन एलसीएम। तो क्या जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर आ गया माइनस 10। इन दोनों के मल्टीप्लाई में बताना है टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20। तो क्या हम करते हैं, ये बन गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 और दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर है तो माइनस 10 हो जाएगा, इनटू इसको ऊपर ले आओ तो इनटू एक्स की पावर 10। इन तीनों के मल्टीप्लाई में चाहिए एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट। बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 डॉट एक्स की पावर 10 में टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20। तो ध्यान दो ये तो नॉर्मल एक्स है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 20 का क्या चाहिए कोफिशिएंट, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 10 प्रेजेंट है तो दिस पार्ट में से ओनली टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10। जब दिस पार्ट में से आप एक्स की पावर 10 का क्या लोगे कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई होकर किसका देगा 20 का। तो अपन लिख सकते हैं देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 में टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10। तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन का एक्स की पावर 20 का क्या मिल जाएगा कोफिशिएंट। तो जब भी कोफिशिएंट लिखना है इसमें से 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो पहले क्या लिखते हैं इसकी जनरल टर्म, इसकी टीआर परसेंट क्या होगी एन सी आर, एन का मतलब 20 सी आर, 1 की पावर एन माइनस आर हटाओ और एक्स स्क्वायर की पावर आर, तो आ गया एक्स स्क्वायर की पावर 2 आर। इतना आने के बाद देखो कैसे करना है, मैंने इसमें गलती कर दी 30 था सॉरी, तो इसको 30 करो तो 30 हो जाएगा। तो 2r को 10 लेना है क्योंकि अपन को 10 का चाहिए, तो r कितना होगा 5, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा 30c5। यस सर, क्या आंसर आएगा बोलो 30c5। अब यार 30c5 तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, बट एक बात ध्यान रखें कि जल्दीबाजी में नन ऑफ दी मत टिका देना। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ncr को लिख सकते हैं ncn-r, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 30c25। तो देन आपको इसका थर्ड ऑप्शन बेटा फिल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन ए वेरिएबल टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जो पैराबोला गिवन है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला पर एक वेरिएबल टेंजेंट है, उस टेंजेंट पे आपने क्या किया इसके वर्टेक्स 0, 0 से क्या ड्रॉ किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या बताना बेटा लोकस। तो देखो क्या करना, सिंपल है बस, देखो पहले ग्राफिक डायग्राम बना देते हैं। ये लेट पैराबोला है, इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट मान लो P, इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ की टेंजेंट, इस टेंजेंट पे क्या करो ओरिजिन से ड्रॉ कर दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट M का लोकस चाहिए, तो जिस पॉइंट का लोकस बताना है उसको क्या मानते हैं H, K। अब एक काम करते हैं इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं अपन AT², 280। अगर ये पॉइंट AT², 280 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी T0, t का मीनिंग वाई स्क्वायर को वाई बाय 1 से, तो आएगा वाई डॉट 280 इक्वल टू 4a एक्स प्लस एक्स 1 का मतलब AT²y2। तो देखो 2a से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस AT²। अल्टीमेटली इस टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ चुकी है वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस AT², सबको एक तरफ ले आओ तो एक्स माइनस टी वाई प्लस, अब आपको एच के में एच और के में ची रिलेशन, तो देखो इसको करने की दो थीम है, कोई भी लगा सकते हो। देखो एक ऑप्शन तो क्या है इस ओ एम का स्लोप कितना होगा एच वाई के, क्योंकि 0, 0 क्या होगा बोलो के वाई एच, इसका स्लोप है के वाई एच, और टेंजेंट का स्लोप कितना है 1/t माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स 1y, इस टेंजेंट का स्लोप है 1/t,
और टेंजेंट और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस के वन। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, से के वाई एच इंटू वन बाई टी आ गया माइनस वन। तो मैंने इससे टी की वैल्यू कितनी अचीव की बोलो, इससे टी आ जाएगा माइनस के वाई एच, ये टी आ गया माइनस के वाई एच। इतना आने के बाद आपको क्या चाहिए, एच के और कॉन्स्टेंट रिलेशन। तो एक काम करो ना, ये पॉइंट है ना एच को मके लाइज ऑन दी टेंजेंट, तो एक्स को एच से रिप्लेस कर दो, इसको के से रिप्लेस कर दो वाई को, प्लस ये आ गया एच के में रिलेशन। अब टी से वेरिएबल है तो टी की वैल्यू पुट कर दो माइनस के वाई एच, तो क्या जाएगा एच माइनस के वाई एच, तो क्या जाएगा के स्क्वायर वाई एच प्लस ए के स्क्वायर वाई एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। टी की जब वैल्यू माइनस के वाई एच लोगे तो प्लस बन जाएगा, तो इसको सबको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या ये आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच प्लस दिस इज ए के स्क्वायर वाई एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जैसे ही आप एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एक एच आ जाएगा, एच का मतलब एक्स आ गया ना, तो ये आ गया एक्स इंटू एक्स का वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्टीन क्वेश्चन पढ़ो। दी लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जीरो, ये लाइन है इज कॉमन टेंजेंट टू दी पैराबोला एंड इलिप्स। ये जो लाइन है ये पैराबोला पे भी टेंजेंट है और इलिप्स पे भी टेंजेंट है, इसका मतलब कॉमन टेंजेंट है। देन दी वैल्यू ऑफ बी एंड अदर कॉमन टेंजेंट आर गिवन बाय, सिंपल सी बात है। देखो समझो, प्रैक्टिकली समझ सकते हो आप, ये तो पैराबोला गिवन है अपन को और ये इलिप्स ऐसे होगा, तो इसकी दो कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट जो गिवन है ना वो ये वाली गिवन है, इधर से जो टच करके जाएगी ये कॉमन टेंजेंट गिवन है, तो अगली कॉमन टेंजेंट ये होगी ना, और पता है डायग्राम सिमेट्रिक है तो ये कॉमन टेंजेंट नीचे वाली सेम एंगल पे होगी। तो देखो ये तो मैं सीधा बता सकता हूँ आपको, ये कॉमन टेंजेंट है एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जीरो, देखो ज्योमेट्रिकली आंसर है। ये कॉमन टेंजेंट का एंगल कुछ भी हो, इसका एंगल नीचे होगा। अल्टीमेटली इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट की जब एक्स एक्सिस में इमेज लोगे ना तो वो इसी नीचे वाली लाइन पे दिखेगी। दोबारा देखना पड़ेगा, तो क्या करना है देखो दोबारा, सॉरी ये पैराबोला गिवन है और ये इलिप्स गिवन है। ये जो टेंजेंट है तो क्या है, y को जीरो लेने पे x नेगेटिव माइनस फोर आ रहा है और ये प्लस टू आ रहा है। तो मेरे को ये बताना है कि जो सेकंड कॉमन टेंजेंट है वो इस तरीके से होगी, और बोथ टेंजेंट आर सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। तो देखो इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं, अगर इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट मानोगे x को y, और इस एक्स वाई की अगर एक्स एक्सिस में क्या लोगे इमेज लोगे ना, तो वो सीधी इसी पे दिखेगी। तो कुछ नहीं करना, ये पॉइंट कितना जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। तो जो अपनी ये टेंजेंट है ना, जो इक्वेशन गिवन है, ये तो इसकी टेंजेंट है और ये टेंजेंट चाहिए, तो इसमें कुछ मत करो, एक्स को तो एक्स ही रखो और वाई को रिप्लेस कर दो माइनस वाई से। तो जैसे ही आप वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करो तो क्या जाएगा एक्स प्लस टू वाई, ये लो। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग देखो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब बी तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करें, कॉमन टेंजेंट लेट कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लेट कॉमन टेंजेंट है। तो क्या होगा, कॉमन टेंजेंट आपको ये गिवन है ना, तो कितनी है टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो y कितना आ गया, इसको अपन ने इंटरसेट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हाफ, तो y इक्वल टू कितना आ गया एक्स वाई टू प्लस सी, और c का मीनिंग दो आ गया, सिंपल सी बात है। C का मीनिंग क्या गया 2, और अगर ये टेंजेंट इसको टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, सी इक्वल टू ए वाई एम। तो इससे तो आ गया सी इक्वल टू ए का मीनिंग तो 1 है और m का मीनिंग तो 2 आ गया ना, कैसे भी कर लो सी 2 आ गया, इससे सी 2 आ गया, मतलब ये 2 आ गया। और अब ये लाइन किसको टच करती है, एलिप्स को, तो अगेन एलिप्स की कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ऐसे करो, सी स्क्वायर का मतलब सी तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ए स्क्वायर का मतलब 4 लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बी स्क्वायर का मीनिंग लेना है 1/4 क्योंकि एम हाफ दे रखा है, तो ये 1 हो गया ना, तो 3 रह गया, तो बी स्क्वायर 3 आ गया,
तो बी कितना जाएगा रूट थ्री, यस सर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको बेटा फिल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो अपन के पास फोर या फाइव टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेशन की, dy के साथ y की टर्म और dx के साथ x की टर्म, तो ये तो उसमें कर ही नहीं सकते, इनको सेपरेट कर नहीं सकते क्योंकि तीन टर्म में तो सेपरेट हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन, उसमें कुछ टी लेट करते हैं। अगला पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये टर्म तीनों की तीनों होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर अगला बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हो, ये एक पैटर्न है अपना dy/dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स इक्वेशन, ये क्योंकि न्यूटन ने दी थी, सिंपल सी बात है। तो देखो इसमें काम किया मैंने, dy के साथ कॉन्स्ट वन आना चाहिए, तो पहले x से डिवाइड किया इसको, तो आ गया dy/dx प्लस yy/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई सिक्स। राइट साइड में ओनली x का फंक्शन चाहिए, तो y6 सिक्स को हटाओ, तो y6 सिक्स से डिवाइड किया, तो क्या आ गया वन अपॉन y की पावर सिक्स dy/dx प्लस वन वाई एक्स इंटू में आ गया वन अपॉन y की पावर फाइव। देखो टेक्निकली समझो, जब ये किया तो राइट पार्ट में तो x का फंक्शन आ गया, एक तो ये गड़बड़ी कर रहा है समय, और न्यूमेटर में y आना चाहिए, ये dy है तो न्यूमेटर में y चाहिए, और ये x है तो ये भी x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन, तो क्या करें, इसको गायब करने के लिए इसको t मानना है। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेशन। वन अपॉन y के फाइव को क्या मानोगे t, जब इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या जाएगा माइनस फाइव अपॉन y की पावर सिक्स, y का t के रेस्पेक्ट में dy/dt या dy/dx x के रेस्पेक्ट में, और ये जाएगा dt/dx। तो देखो ना dy/dx अपॉन वन अपॉन y की पावर सिक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी माइनस के वन अपॉन फाइव dt/dt, ये आ गया माइनस के वन अपॉन फाइव dt/dx, यस सर, प्लस वन वाई एक्स इंटू टी इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब अपन को पता है इधर वन लाना है, तो माइनस के वन बाई फाइव से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया dy/dx माइनस के फाइव बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू क्या जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो देखो dt है तो t होना चाहिए, ये x है तो ये भी x का फंक्शन है, और ये ऐसे। इतना आने के बाद अब अपन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हटा देते हैं इसमें से। तो अब देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये पता होना चाहिए आपको इसका सॉल्यूशन। तो क्या आ गया e की पावर पी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के फाइव बाई एक्स, तो माइनस के फाइव बाई तो कॉन्स्टेंट है वन बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, तो ये आ गया e की पावर माइनस फाइव एल एन एक्स। अपन को पता है माइनस के वन अपॉन फाइव को ऊपर लेके चले जाओ, या फिर एक काम करो ना इस x को इधर ले आओ e को उधर, तो ln e1 बन जाएगा, तो ये आ गया x की पावर माइनस के फाइव, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है सॉल्यूशन आई एफ इंटू वाई, लेकिन y नहीं लेना क्योंकि इसमें t है, तो y की जगह t इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स आई एफ डी एक्स। तो ये तो कितना जाएगा t का मीनिंग कितना है वन अपॉन x की पावर फाइव, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x की पावर माइनस फाइव और ये y की पावर माइनस फाइव। इधर सॉल्व कर देते हैं क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर, तो माइनस के फाइव तो x इधर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फाइव, तो अल्टीमेटली एक्स क्यूब हो जाएगा ये लो, और वन अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, तो ये जाएगा सोल्व करने पे 5 बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो दिस इक्वल टू दिस, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 इक्वल टू 5 बाई टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस सी, यस सर,
देन इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ठीक है चले, फोर्टीन क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फोर विच द क्यूबिक इक्वेशन दिस पार्ट हैज थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज। इस क्यूबिक इक्वेशन के अगर थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते तो बताओ एम की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की थीम क्या है, अपन सबसे पहले राइट लेफ्ट पार्ट का डायग्राम बनाते हैं और बाद में इसका डायग्राम, दोनों के डायग्राम जितने पॉइंट पे कट करते हैं उतनी क्या होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो इसको लेट कर लेते हैं वाई, ये फंक्शन आ गया वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू। ठीक है एक बार कर देते इसका डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई डी एक्स क्या आएगा बोलो थ्री एक्स स्क्वायर, इसका टू एक्स तो टू कट गया तो ये आ गया थ्री एक्स। यस सर, थ्री एक्स कॉमन ले सकते हैं अपन, तो एक्स माइनस वन आ गया, ये जीरो पे जीरो है वन पे, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या आ गया सॉरी प्लस से माइनस पे जाने पे लोकल मैक्सिमा और जीरो से माइनस से प्लस में जाने पे लोकल मिनिमा। तो देखो इसके डायग्राम से पहले एक तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो पे वैल्यू लिख लो एफ ऑफ जीरो तो ये तो आ गया फाइव बाई टू, एक बार वन पे वैल्यू लिख लो तो वन पे कितना आएगा वन और फाइव बाई टू सेवन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, वन प्लस फाइव बाई टू माइनस के थ्री बाई टू तो कितना आ गया दो एलसीएम ले लो ना, दो प्लस पाँच माइनस तीन दो आ गया लो। तो देखो इसका एग्जैक्ट डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो जीरो पे तो वैल्यू कितनी मिली अपन को फाइव बाई टू और उसके बाद तो डायग्राम देखो ऐसे चलेगा यूँ, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा, ये वैल्यू कितनी है ध्यान रखना दो है, ये टू वन पे टू है और ये जीरो पे कितनी मिली बोलो फाइव बाई टू, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। अब आपको सोचो ना ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन को इस तरीके से बनाओ कि हैज थ्री डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, अल्टीमेटली लाइन आपकी अंदर से जानी चाहिए इसे, तो वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन थ्री। तो क्या होगा ये जो दिस पार्ट है आपका log m बेस वन बाई फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी टू से तो बड़ी होगी और फाइव बाई टू से लेस, तो अपन लिख सकते हैं log वन बाई फोर बेस में है m की वैल्यू टू से लेके फाइव बाई टू। अब एक बात सुनो, इस log को हटाओगे तो इधर चढ़ जाएगा ये इधर चढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा करना है क्योंकि बेस वन से छोटा है, तो कितना जाएगा सुनो m lies between, ध्यान देना ये बेस वन से छोटा है तो साइन को चेंज करना, तो एक काम करो कोई नहीं साइन को चेंज कर देते हैं, वन बाई फोर इधर जाके क्या आ गया वन बाई फोर की पावर फाइव बाई टू, साइन चेंज हो गया एम लेस देन वन बाई टू, वन बाई फोर का स्क्वायर इज वन बाय सिक्सटीन आ गया, लो भाई ये वन बाई फोर है तो इसको लिखोगे वन बाई टू का स्क्वायर तो कट गया है तो वन बाई टू की वन बाय थर्टी टू आ गया। अल्टीमेटली एम की वैल्यू वन बाय सिक्सटीन से बड़ी होगी सॉरी वन बाय सिक्सटीन से बड़ी होगी वन बाय थर्टी टू से लेस होगी। यस सर, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज ऑफ द ऑर्डर 3, ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 3 गिवन है सच दैट एडजॉइंट ए बी दिस पार्ट गिवन है एंड बी स्क्वायर एडजॉइंट ए दिस पार्ट गिवन है देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा। कुछ नहीं सिंपल है, देखो इसका मीनिंग तो क्या होगा अपन कर सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा माइनस एट, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर को लिख सकते हैं शॉर्टकट में, और अपन ने पढ़ा हुआ है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, एन थ्री है तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर थ्री माइनस वन इज टू, अल्टीमेटली ये भी आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब क्या करें इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जब ही तो मिलेगा अल्फा। अब क्या करो एडजॉइंट ए बी का मतलब अपन ने पढ़ा हुआ है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये जो भी लिख दो। अब कुछ नहीं करना इसका ले लो दोनों तरफ डिटरमिनेंट, ऐसे डिटरमिनेंट लगाओगे तो ये आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर।
और इधर इसका ले लेते हैं डिटरमिनेंट, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो ये लो 1 की करोस्पॉन्डिंग क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये लो माइनस 1 इंटू इसके करोस्पॉन्डिंग क्या होगा अल्फा माइनस 1, ये लो बेटा, और प्लस 1 के करोस्पॉन्डिंग क्या होगा 1 माइनस के अल्फा, और इसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल कर दो तो ऑटोमेटिक अल्फा अचीव हो सकता है। तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस के 2 अल्फा, आफ्टर दैट देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो ये प्लस 1 आ गया। ये वैल्यू को उसके इक्वल करोगे तो देखो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना आ गया 2 अल्फा उधर जाके बन गया 5 अल्फा और उधर आके 9, तो अल्फा आ गया 9/5। यस सर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या थीम है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज इन ए प्लेन P1 हैव द इक्वेशन दिस एंड दिस। आपको दो लाइन की क्वेश्चन गिवन है 3D में, ये बोथ लाइंस आर लाइज इन ए प्लेन, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और बोथ लाइंस आर लाइज इन ए प्लेन। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन P2 इज दिस पार्ट, ये प्लेन P2 की क्वेश्चन है, देन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P1 एंड P2। अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 0 तो दे नहीं रखा ना, तो ये बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, तो अल्टीमेटली सीधा थीम इसको करने की। जनरली तो देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एक प्लेन है और इसमें दो लाइन लाई करती है, और देखो ये दोनों लाइन कहाँ से पास होती है, 1, 3, 4 से, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग भी है और दोनों का इंटरसेक्शन फिक्स्ड है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन से पता चल गया 1, 3, 4 ये प्लेन है। अब थीम क्या है इस क्वेश्चन को करने की, ऐसे काफी सारे प्लेन हो सकते हैं जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होते हैं, बट क्वेश्चन में बोला गया है ये P1 प्लेन है और P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, अल्टीमेटली दोनों प्लेन पैरेलल होंगे ना इसे, तो एक काम करो सीधा, ये P1 प्लेन अगर P2 प्लेन के पैरेलल है तो गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की क्वेश्चन क्या होगी, 7x-5y + z + λ = 6। इतना आ गया, इतना आने के बाद लैम्डा की वैल्यू के लिए क्या करें, ये P1 प्लेन है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 3, 4, ये प्लेन 1, 3, 4 से पास करा दो, सॉरी इधर जीरो करते हैं, 7x-5y + z + λ = 0, इसको 1, 3, 4 से पास करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या जाएगा 7 - 15 + 4 + λ = 0, तो 4 और 7 = 11, तो लैम्डा आ गया 4। तो P1 प्लेन कितना अचीव होगा बोलो, 7x-5y + z + 4 = 0, और P2 प्लेन कितना है, 7x-5y + z - 6 = 0, तो दो प्लेनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d2 - d1 का मोड अपॉन √σa1² मतलब तीनों के स्क्वायर का सम। तो देखो सीधा आंसर होगा इसका -x - 4 - 10 का मोड 10 सॉरी √49 25 + 1, तो कितना आ गया 1 and 49 50 75 75 का मतलब क्या होता है 25 × 3 5√3 आ गया, ये कटपिट के 2, तो 2y√3। यस सर, तो देन इसका बेटा सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मैक्सिमम ऑफ x³ x² का क्या लेना है मिनिमम मैक्सिमम, एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 1, x = 0 से x = 1 के बिटवीन एक्स एक्सिस और इस कर्व से बाउंडेड बाय एरिया बताना है और कर्व लेना है मैक्सिमम ऑफ x³ x² तो देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बना दें इनका डायग्राम, तो देखो क्या थीम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझे आप, ये पहली बात तो पता होना चाहिए ये 0, 1 है, पहले बनाया आपने y = x⁴ का डायग्राम, ये बहुत यूजफुल पार्ट है, अपन को पता होगा 0 से 1 में जब x 0 से 1 होता है बेटा तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ घटती है, तो 0 से 1 में x³ और x⁴ में x³ बड़ा होता है, तो अल्टीमेटली x³ का डायग्राम ऊपर से जाएगा, पहले यूँ जाके बाद में इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा, ये x³ का डायग्राम ध्यान रखें। तो क्या कह रहा है 0 से 1 में कौन सा लेना कर्व, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला कर्व, बस हो गया काम, ये कर्व लेना है, इस कर्व का
जीरो से वन में एक्स से बाउंड्री हो रही है, मतलब ये बताना है। अगर आप जल्दीबाजी में नीचे ले लेते तो अलग आंसर आता सीधी बात। तो क्या होगा, जीरो से वन एक्स क्यूब डी एक्स। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या जाएगा, वन बाई फोर, मतलब 0.25 आंसर है। वो तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, अगर आप फोर लेते तो 1/5 आता, मतलब 0.20। वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो गलती वैसे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। चलो क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ फोर लेटर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं 11, इन 11 लेटर में से आपको फोर लेटर को करना है सेलेक्ट और बनाने नंबर्स, वर्ड्स बनाने। तो देखो कितने तरीके होंगे, तो देखो क्या थीम है इसकी, समझो एक बार। तो क्या करना है, देखो लेटर 11 है और लेने कितने फोर, तो ये मत कर देना 11C4, नहीं, क्योंकि NCR का फॉर्मूला ओनली कब एप्लीकेबल है, जब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखो इसमें थीम क्या, समझो इसमें क्या क्या गिवन है अपने पास, दो तो इसमें M है, दो A हैं, दो T हैं, और बाकी सिंगल एलिमेंट है। वन E लेना है, वन I, वन C, वन S और वन H, ये लो, ये टोटल 5 और 6 11 लेटर हैं। फोर लेटर लेने हैं तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जो फोर लेटर आप सेलेक्ट करोगे वो ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, चारों के चारों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो लिखोगे, इफ ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सेलेक्टिंग ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखो अपने पास टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं, डिफरेंट, तो सिंगल ई, सिंगल आई, सिंगल सी, सिंगल एस, सिंगल एच, और एक बच्चे क्या करते हैं इन्हीं में से लिख देते हैं 5C4। अरे यार 1M 1A 1T तो ले सकते हैं ना, सिंगल सिंगल लेटर टोटल कितने हैं, डिस्टिंक्ट लेटर टोटल हैं 5 और 3 8 हैं, डिस्टिंक्ट लेटर 8 हैं और लेने कितने 4, तो 8 में से 4 लेने के ऑप्शन क्या होंगे 8C4, और सेलेक्टेड 4 डिस्टिंक्ट लेटर से टोटल बनेंगे फैक्टर 4, ये लो, ये तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर की बात हुई। अगला केस क्या होगा, 3 लेटर्स आर अलाइक 1 इज डिफरेंट, तो 3 लेटर तो अलाइक ले नहीं सकते ना सेम, तो नेक्स्ट केस लिखना है 3 लेटर एक जैसे हो नहीं सकते इसमें, C2 केस, इफ टू लेटर्स आर अलाइक एंड अदर टू आर डिफरेंट। इसका मीनिंग है दो लेटर तो एक जैसे हैं, मतलब सेम है, और दो डिफरेंट है, तो एक काम करो ना, अलाइक लेटर की कितनी वैरायटी है मेरे पास, 3, तो एक वैरायटी का करो सिलेक्शन, तो 3C1। इस 3C1 का मतलब क्या है, आपने या तो 2M सेलेक्ट किए होंगे या 2A या 2T, दोनों M लेने का एक ऑप्शन, अगला ऑप्शन, तो 3C1 का मतलब 3 हो गया। इस 3C1 का ऑटोमेटिक मतलब क्या है, या तो 2A आ चुके हैं या 2M या 2T, तो दो लेटर आ चुके हैं अलाइक। फिर अब 3C1 का मतलब दो लेटर सर अलाइक, ये मान लेते कि माना ये 2M आ चुके हैं, तो डिफरेंट लेटर कितने हैं 5 और 2 7, सिंगल सिंगल तो ले सकते हैं ना, 5 और 2 टोटल 7 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, उनमें से अब लेने कितने 2, तो 7C2 आ गया, और सेलेक्टिंग 4 लेटर से टोटल वर्ड्स क्या होंगे बोलो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये अपॉन में फैक्टोरियल 2 क्यों लगाया, क्या है, क्योंकि 3C1 में दो लेटर अलाइक हैं, या तो 2A होंगे, बाकी दो डिफरेंट है, तो वाई फैक्टर 2। उसके बाद C3 केस, थर्ड केस क्या होगा ध्यान दो, टू लेटर्स आर अलाइक एंड अदर टू लेटर्स आर ऑल्सो अलाइक, टू लेटर्स आर अलाइक एंड अदर टू लेटर्स आर ऑल्सो अलाइक। इसका मतलब क्या है, अपन 2M ले सकते हैं और 2T ले सकते हैं, एक पेयर, मतलब एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया और एक पेयर दिस आ गया, M के साथ A आ गया, 2 2, M के साथ T आ गया और A के साथ T, 3 पेयर हैं टोटल, 2 2 अलाइक लेटर के कितने पेयर हैं, 3, तो या तो 3C2 लिख दो आप, 3C2 की हिंदी क्या है, अलाइक लेटर के 3 पेयर हैं और 2 पेयर लेने, तो 3C2, इस 3C2 का मतलब है क्या है, 2 पेयर लिए, MA, MT और AT, आ चुके 4 लेटर, 2 अलाइक, 2 अलाइक और 2 ऑल्सो अलाइक लेटर लेने के ऑलरेडी
थ्री ऑप्शन है ओनली, और सेलेक्टिंग लेटर से नंबर ऑफ वर्ड्स फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, दो बार लगाना है क्योंकि दो लेटर एम है, दो हैं, दो वन टाइप के दो सेकंड टाइप के, इनको ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, और ऐड करोगे बेटा तो उसका फोर्थ ऑप्शन आता है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। चले उसके बाद देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन बात करेंगे इसके सेक्शन बी की, जिसमें अपन को इंटीजर आंसर देना है। इफ पीजेड इज ए वेरिएबल पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस के वन अपॉन जेड इज 1/4, माइनस 1/z का जो इमेजिनरी पार्ट है 1/4 है, देन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ लोकस ऑफ पीजेड, मतलब जो जेड पॉइंट का लोकस है उसका बताना पैरामीटर। तो एक काम करें अपन उस जेड पॉइंट को लेट कर लेते हैं एक्स प्लस आईटा वाई, तो आपको इस पॉइंट का लोकस बताना है। तो क्या करना, माइनस के वन अपॉन जेड का इमेजिनरी पार्ट 1/4 करना है, तो पहले तो 1/z बता दो उसका, 1/z क्या होगा, 1/x + i/y। क्या करें, जब भी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको न्यूमेटर में ले आओ, ये लो भाई कर देते हैं। तो क्या गए, ये 1/z आ जाएगा भाई, एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपन को चाहिए माइनस 1/z, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस के 1/z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का कोफिशियंट, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो आ गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया बोलो, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4, ये क्वेश्चन बोला गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट जेड का लोकस है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर तो कितना होगा 0,2, और इसकी रेडियस क्या होगी बोलो 2, रेडियस का मतलब जी स्क्वायर माइनस सी, रेडियस 2 है तो इसका पैरामीटर, सर्किल का पैरामीटर क्या होगा बोलो 2πr, r को 2 लेने पे क्या आंसर जाएगा बोलो 4π, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है, ठीक है, तो इस तरीके से किए गए। अब अपन इसके बाद आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। उसके बाद देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट 1+8 sin³x प्लस ब्रैकेट में -2 cos²x प्लस 4 sin x + 2 की पावर 1/3, और ब्रैकेट के बाहर आ रहा है cos x dx। इसको 0 से π/2 में आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट। तो देखो कैसे करना है, इसको लेट आइलेट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करो, देखो आप इस cos²x को कन्वर्ट कर सकते हो साइन में, उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो बेटा अपन साइन एक्स को टी मानेंगे तो cos x dx कहाँ चला जाएगा, डी टी में, तो आ गया अंडर रूट 1+8 sqx प्लस ब्रैकेट -2 cos²x का फॉर्मूला 1 - k² sin²x प्लस 4 sin x + 2 की पावर 1/3 cos x dx। अब देखो सब में साइन एक्स आ रहा है तो अपन पुट कर देते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो cos x dx तो चला जाएगा dt में, और लिमिट मिलेगी आपको 0 से 1 अंडर रूट 1+8t³ प्लस, देखो इसको क्या लिखना है, ये सारा कुछ ब्रैकेट में लिखो क्योंकि एक साथ इस पर रूट, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4t² प्लस 4t और -2 से +2 कैंसिल आउट की पावर 1/3 इनटू एक बार तो ये आ गया। उसके बाद चाहो तो एक स्टेप और लगा सकते हो, देखो इसमें ये 2t का स्क्वायर है, ये 2 ऑफ 2t है, ये 2 ऑफ t का क्यूब है, तो एक काम करो अगेन आप पुट कर सकते हो, पुट 2 ऑफ t को मैंने लेट किया p, तो dt आ गया dp/2, dt क्या गया बोलो dp/2, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आ गया i=1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2, क्या लिखना बोलो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 1+2 ऑफ t की पावर 1/2
प्लस ये क्या गया, ये 2t का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बन गया, ये बन गया, इसको लिखना है पी, सॉरी 2t को आपने पी माना तो ये क्या बन जाएगा, 2t का क्यूब, तो पी क्यूब हो जाएगा ये। एक मिनट इसको दोबारा लिख देते हैं, ये आ गया, इधर लिखते हैं आई इक्वल टू डी टी की वैल्यू लिखोगे 1/2 dp, 1/2 बार आ गया, 0 पे 0, और टी को बन लोगे तो पी क्या होगा 2, ये आ गया 1+2t का क्यूब है, तो 2t का क्यूब मतलब पी क्यूब, प्लस अगले ब्रैकेट में क्या आ गया, ये 2t का स्क्वायर है, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ p की पावर 1/2, सॉरी टू पी की पावर 1/3, और ये है 1/2 इंटू dp। अब इसके बाद देखो उसको सॉल्व करने की क्या थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा, इसमें मैंने क्या किया, ये जो बाद वाला पार्ट है इसको एक फंक्शन माना एफ ओ पी, अगर आप इसको एक फंक्शन लेट करते हो एफ ओ पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p की पावर 1/3, तो देखो ये क्या जाएगा, इससे अपन इसको लिख सकते हैं एफ क्यू पी इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस 2p, इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इससे अपन p की वैल्यू करते फाइंड आउट, तो ये आ गया p प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एफ क्यू पी, अब y मान सकते हो, स्क्वायर हटाओगे तो पावर लगा दो 1/2, तो इससे आ गया p इक्वल टू माइनस 1 प्लस एफ क्यू पी की पावर 1/2, तो देखो एफ क्यू पी, तो अपन समझ सकते हैं अगर एफ ओ पी है तो पी का मतलब क्या आ जाएगा, इससे अगर अपन एफ ओ पी को वाई मानते हैं तो पी का मतलब आ गया वाई इनवर्स एफ, अल्टीमेटली ये इसका इनवर्स फंक्शन आ गया, ध्यान देना ये इसका इनवर्स है, अगर इसको मानते हैं अपन एफ ओ पी तो क्या जाएगा बोलो, ये एफ इनवर्स पी है, बट इसमें कमी है माइनस वन की, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान दो ये कौन हो गया बोलो एफ इनवर्स पी, तो मैं लिख सकता हूं इसको ये एफ इनवर्स पी हो गया एक तरीके से, कौन हो गया बोलो एफ इनवर्स पी, तो देखो इसके बाद आगे करने की थीम क्या है, ये तो हो गया अपना एफ ओ पी, तो इसको ऐसे लिखो ज्यादा बेटर है, आपने अल्टीमेटली क्या किया इसको लेट एफ ओ पी को आप वाई समझो ज्यादा बेटर है, अगर इसको वाई लेट करोगे तो आपने क्या किया है पी की वैल्यू को वाई की टर्म में लिखा है, अल्टीमेटली पी एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में है, तो अपन एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स पी, तो ये आ गया एफ इनवर्स पी प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एफ ओ पी की पावर 1/2, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो ये पार्ट है अपन इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स 1 एफ इनवर्स पी प्लस 1, ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या करना है, हाँ जब ये करोगे तो लिमिट की बात करो, तो देखो लिमिट क्या होगी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान देना थोड़ा इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सुनो क्या किया है आपने, इसको एक फंक्शन माना एफ ओ पी, ज्यादा देखे तो इसको मान लो वाई इक्वल टू एफ ओ पी को क्या मान ली वाई, तो वाई मानोगे तो क्या आ गया वाई क्यूब इक्वल टू पी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया पी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 प्लस वाई क्यूब हाफ, तो वाई का मतलब क्या है एफ इनवर्स पी, ठीक है, तो इस थीम को इसमें अपन को अप्लाई करना है, तो इसके बाद देखो अब क्या करना है, तो ये आ गया आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2, इसकी वैल्यू क्या थी बोलो एफ इनवर्स पी प्लस 1, तो क्वेश्चन आ गया एफ इनवर्स पी, सब पे लिमिट अलग से लगा दो 0 से 2 में,
एफ ओ पी डी पी है और 0 से 2 1 डी पी, तो इसकी वैल्यू तो क्या मिलेगी अपने पास 2। अब अपन इन दोनों में से किसी एक इंटीग्रेशन को सोल्व कर देते हैं। काम करो, अपन को पता है जब भी इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है तो अपन पी को मान लेते हैं एफ ओ टी, तो ये क्या जाएगा, देखो ये हाफ तो सबके साथ है बाहर, इसको ध्यान देना थोड़ा। इस इंटीग्रेशन को अपन को अल्टीमेटली सॉल्व करना है, तो देखो तो ये आ गया आई इक्वल टू 1/2। केयरफुली सुनना, जब पी को एफ ओ टी माना है तो इससे डी आ जाएगा एफ डैश टी डी टी। तो क्वेश्चन क्या आ गया, इंटीग्रेशन पी की जगह जब एफ टी डी टी रखोगे एफ टी, तो टी टी आ गया है, और डी पी की जगह क्या जाएगा एफ डैश टी डी टी। बाद वाला इंटीग्रेशन एच डी रखना अपन को, 0 से 2 डी पी, सॉरी 0 से 2 एफ पी डी पी, और इसकी वैल्यू तो क्या होगी बोलो 2। और इसकी लिमिट देखो, जब पी को 0 लोगे तो टी आ गया एफ इनवर्स 0, तो देखो बेटा एफ इनवर्स 0 की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को 0 ले लो उसमें, पी को 0 लोगे तो क्या आ गया, इससे आ रहा है एफ ऑफ 0 0, तो अल्टीमेटली एफ इनवर्स 0 भी क्या आएगा 0, तो 0 पे तो 0 आ गया। सिमिलरली अब इसमें आपको पी को 2 लेना है, तो 2 आ गया एफ ऑफ 2, एफ ऑफ टी कितना आ गया 2, तो टी की वैल्यू चाहिए कि टी क्या होगा, तो सीधी बात है जब इसमें पी को 1 लोगे तो एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, पी को 2 लोगे तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया, इसमें देखो ये आ गया एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, क्योंकि 8 की परम 3, अल्टीमेटली एफ इनवर्स 2, तो मैं टी को भी क्या लूंगा बोलो 2 लूंगा इसमें, तो लिमिट दोनों सेम रहेगी। अब इसमें क्या कर लगा दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 कैसे, सॉरी पहले आई लेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ डैश टी का क्या होगा एफ ऑफ टी, लिमिट लगाओगे 0 से 2, उसके बाद क्या आएगा माइनस 0 से 2 टी का 1 एफ टी डी टी, और देखो ये वैल्यू इस पार्ट से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो फाइनली आपका आंसर आ गया आई इक्वल टू ऑफ 2 एफ ऑफ 2, टी पे 0 हो गया हटाओ, और लास्ट में प्लस 2 और लिखना है, ये लो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, 2 और 2 4 और 2 6/2, तो अल्टीमेटली इसका आंसर फिल करना है आपको 3। तो इसकी मेन थीम क्या थी कि जब आपने साइन एक्स को टी माना, ये सीधा 2 साइन एक्स को भी टी मान सकते हो, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, बस ये मेन है, उसके बाद तो सिंपल आप उसको क्या करोगे इंटीग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया बेटा द नंबर ऑफ वे 3 टीचर्स कैन बी इनवाइटेड फॉर ए गेस्ट लेक्चर ऑन 6 डेज इन ए स्कूल। 3 टीचर है हमारे पास और 6 डेज में आपको एक गेस्ट लेक्चर को इनवाइट करना है किसी क्लास के लिए। शो दैट एवरी टीचर इज इनवाइटेड एटलीस्ट वंस, और एक कंडीशन है हर टीचर को एक एक बार तो बुलाना मस्ट है। इज एन देन एन फाइंड एन वाई टेन इज देन फाइंड एन वाई टेन इज, इसका मतलब क्या देखो आप ऐसे समझो, और एनी गिवन डे एग्जैक्टली 1 टीचर इन्वाइटेड। क्वेश्चन क्या है, 3 टीचर हैं और 6 डेज में आपको सक्सेसिवली एक एक टीचर को इन्वाइट करना है, एक दिन में एक ही टीचर आ सकता है, टीचर 3 हैं और 6 डेज में ओनली 1 डे में 1 टीचर को इन्वाइट करना है, तो कितने वे से उन टीचर्स को 6 डे में अपन इन्वाइट कर सकते हैं। तो उसको देखो रिवर्स वे में समझो, अपने पास 6 डेज है, 6 डेज में क्या क्या हो सकता है, एक दिन एक टीचर आए, एक दिन दूसरा टीचर आए, और एक दिन और बाकी चारों दिन एक टीचर आ जाए, हो गया एटलीस्ट ईच टीचर इनवाइट एटलीस्ट 1 टाइम। आप रिवर्स चलो कि 6 डेज में 3 टीचर को इनवाइट करना है, 6 डेज में कितने वे से अपन 3 टीचर को इनवाइट कर सकते हैं, तो एक दिन जैसे टीचर 3 है T1 T2 और T3, आप ये समझो T1 T2 T3 को आपको 6 डेज में इनवाइट करना है, या 6 डेज को T1 T2 T3 में इनवाइट करना, अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या किया, 6 में से 1 डे तो T1 आ गया, सेकेंड डे T2 आ गया, रिमेनिंग 4 डे T3 आ गया, या फिर T1 तो 1 डे आया, अगला 2 डे आया और अगला 3 डे आया, 1 2 3 हो सकता है, और या फिर हो सकता है तीनों इक्वल डे आए, हर
टीचर दो दो टाइम आना चाहिए। तो बस क्या होगा इसका फॉर्मूला, यह आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। ये अपन को पता है जो लेटर जितनी बार रिपीट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ग्रुपिंग की गई है, इनटू क्या करना फैक्टोरियल 3। इस फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, वन टीचर वन डे, अनोदर टीचर वन डे एंड रिमेनिंग थर्ड टीचर 4 डे, रिसफल करना है। कौन सा टीचर T1 T2 T3 को 3 places का मतलब एक दिन बुलाना है, एक दिन बुलाना है, 4 दिन बुलाना है, तो किस किस को बुलाएं, तो 3 VPs को क्या करोगे आप अरेंज करोगे, यही इसका करना है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 3। और लास्ट का अगेन फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 का क्यूब इनटू फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एन एक्स साइन 5xy(n) हैज पीरियड 3π इज इक्वल टू, ये फंक्शन एफ एक्स इसका पीरियड अगर आपको 3π के में, तो बताओ एन की लार्जेस्ट इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखो क्या थी मैं, अगर इसका पीरियड 3π है तो वी कैन राइट नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, ये पढ़ा है ना अपन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो आगे 3π + x। अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसका पीरियड 100% क्या होगा 3π। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, तो लेफ्ट में तो क्या गया कोस एन एक्स साइन 5xy(n) इक्वल टू, राइट में क्या करोगे एक्स इज रिप्लेस बाय 3π + x, तो साथ की साथ मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा कोस 3π + nx। सिमिलरली साइन के अंदर भी 5xy(n) से मल्टीप्लाई कर देते, तो यह जाएगा साइन 15π/n प्लस 5xy(n)। अब देखो इसके बाद करने की थीम क्या है, LHS इक्वल टू RHS अगर आपका ट्रू होगा तो हाँ 100% ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखो इसमें थीम क्या है, इसमें दो केस अराइज करने पड़ेंगे आपको, n अगर आपका इवन इंटीजर है, n अगर इवन इंटीजर है जैसे n आपने 2 माना 4 माना, तो ये क्या होगा इवन नंबर, इवन का मतलब इधर और कुछ ऐड किया तो फर्स्ट, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू अचीव होगी कॉस nx। तो चलो ये तो इसके इक्वलेंट आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट n को जब आप इवन लोगे तो ये तो कभी अपना साइन दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि n को इवन लेने पे ये क्वांटिटी तो आपकी कुछ चेंज हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी बोलो चेंज। तो n को इवन इंटीजर लेने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये केस तो उसका हो गया फॉल्स। फिर अगली बार आ जाती है n बिलोंग्स टू ऑड, n अगर ऑड लोगे जैसे आपने n को ले लिया 5 जो भी है, तो ये क्या बनेगा पाई का ऑड मल्टीपल, कुछ ऐड किया तो थर्ड, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो कॉस nx आ गया। तो सिंपल सी बात है, कॉस nx आ गया तो हमको उसको क्या लेना है माइनस साइन 5xy(n), ताकि माइनस माइनस प्लस, तो LHS इक्वल टू अगेन क्या जाएगा बोलो RHS। तो अब देखो थोड़ा समझने वाला पार्ट है, सिंपल सा फंडा है, अपन को साइन को साइन में रखना है, अल्टीमेटली जो n है वो क्या होगा ऑड नंबर तो होगा बट वो साथ के साथ मल्टीपल ऑफ 15 होना चाहिए, क्योंकि जब n 15 का मल्टीपल होगे उसी केस में ये पाई का मल्टीपल होगा और साइन पाई के मल्टीपल पे नो चेंज। तो देखो इसमें क्या करेंगे, n प्लस माइनस वन ले सकते हैं अपन, प्लस प्लस ही लो क्योंकि नेगेटिव की तो बात ही नहीं करनी। लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो लार्जेस्ट का मतलब पॉजिटिव में काम चलता है अपना, फिर अपन 3 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, और 5 के बाद क्या ले सकते हैं बोलो 15। जब आप n को 15 लोगे तो पाई प्लस समथिंग कहाँ चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन भी आपका नेगेटिव होगा, तो LHS इक्वल टू क्या जाएगा बोलो RHS। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिस इज ए पीरियडिक फंक्शन हैज पीरियड 3π देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 15। अभी तो पूछिए लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो देन आपका आपको 15 आंसर बेटा फिल करना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वे इन विच ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सच दैट कमिटी कंटेन एटलीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स इज एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बाई फाइव. क्या करना है देखो, अपने पास 6 तो बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स है. आपको एक 5 मेंबर की कमिटी बनानी है जिसमें एक बॉय एक गर्ल्स लेना मस्ट है. तो देखो क्या क्या हो सकता है, 5 मेंबर की कमिटी बनानी है तो अपने काम कर सकते हैं, एक बॉय लोगे तो 4 गर्ल्स, या फिर 2 बॉयज लोगे तो 3 गर्ल्स, या फिर 3 बॉयज लोगे तो 2 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज लोगे तो 1 गर्ल्स. बस इसको ऐड कर देते हैं. 1 बॉय लेने का तरीका, बॉय कितने टोटल 6, 6C1 डॉट 5 में से 4 लेना है 5C4 प्लस 6 में से 2 बॉय लेने के तरीके 6C2 इंटू 5 में से 3 गर्ल्स लेने के तरीके 5C3 प्लस 6 में से 3 लेना है 6C3 और ये जाएगा 5C2 प्लस 6C4 डॉट 5C1. इसको सॉल्व कर देते तो देखो 6C1 की वैल्यू 6 और 5C4 की वैल्यू 5 होती है. तो 6 5 इज 30 प्लस 6C2 की वैल्यू बेटा 6 5 30 15 और 5C3 की वैल्यू क्या होती है बोलो 10 प्लस 6C3 की वैल्यू बेटा 20 आती है रिमेंबर दिस और 5C2 की वैल्यू अगेन 10 और लास्ट इज 6C4 की वैल्यू 15 और इसकी बोलो 5. तो देखो कितना आ गए 150 और 200 350 ये आ गया 350 प्लस 75 30 105 ये जाएगा 455. तो 455 तो n को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा बोलो 9 5 45 91 इसका आंसर आपको फिल करना है. ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया बेटा द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बताओ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा. तो एक काम करो ना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो क्या आगे आर्गुमेंट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 6. तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को क्या लिख सकते टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, एक्स का मतलब रियल पार्ट, इक्वल टू क्या आ गया बोलो पाई बाई 6. उसके बाद ये जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स उधर भेजोगे तो 10 पाई बाई 6 1 बाई रूट 3 आ गया. अल्टीमेटली इससे अपने पास आ गया रूट 3 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1. एक बार इसके लिए अप्लाई कर दो अगेन तो इसको क्या लिखोगे टेन इनवर्स, क्योंकि जब जेड को रखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई तो क्या आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1. तो इमेजिनरी पार्ट तो वाई है इसका और ये आ गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3. टेन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस की रूट 3. तो ये जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस की रूट 3. अल्टीमेटली इससे आ गया वाई इक्वल टू माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3. अब एक काम करो, जैसे अपन को इसको एक काम करते हैं, बेटर ऑप्शन है रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 कैंसिल आउट, तो ऐड करने पे क्या आ गया 3 वाई और वाई 4 वाई इक्वल टू ये भी रूट 3 ये भी रूट 3 तो 2 रूट 3 आ गया. तो अल्टीमेटली वाई तो आ गया रूट 3 बाई 2. जब आप वाई को रूट 3 बाई 2 इसमें रखोगे तो आ गया वाई की जगह तो आ गया रूट 3 बाई 2 इक्वल टू आ गया माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3. ये लो रूट 3 कैंसिल आउट हो गया तो इससे कितना आ गया x इक्वल टू आ गया माइनस के हाफ और x माइनस हाफ आ गया. और आप इसको पहले ज्योमेट्रिकली देखो क्योंकि अपने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया है. ध्यान दो सभी, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 1 का मतलब क्या है माइनस 1,0 से एक रे स्टार्ट होती है जिसका एंगल है पाई बाई 6. ये लो और इसका मतलब है 1,0 से एक रे स्टार्ट होगी जिसका एंगल है दिस पार्ट. हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है फर्स्ट में हो सकता है, तो एक ही आंसर है इसका. तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना, तो मोड जेड का मतलब क्या लिखोगे रूट ऑफ
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/1, 1 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इसका 1 आंसर आपको फिल करना है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए ट्रेपीजियम इज डिस्क्राइब इन दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सच दैट इट्स डायगोनल पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 0 एंड ईच हैज लेंथ 25/4। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वी पी देन 4p इक्वल टू, देखो क्या करना है, एक बार इसका रफली डायग्राम बनाते हैं अपन। एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये लो। इस पैराबोला का फोकस क्या होगा 1, 0, एक तो ये मेन इसमें। अब क्या बोला गया कि इस ट्रेपीजियम के बोथ डायगोनल्स आर पासिंग थ्रू दी 1, 0, मतलब दोनों डायगोनल 1, 0 से पास कर रहे, तो एक ऐसे मान लेते हैं और एक और डायगोनल मानने के बाद इनको ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएंगी, इससे अपन ट्रेपीजियम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेपीजियम में अपन एक बात पढ़ते हैं कि टू साइड्स आर पैरेलल एंड, तो ये दोनों साइड इसके पैरेलल होंगी, ठीक है। और वो 90 डिग्री पे ले सकते हैं, नो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थीम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मेंशन किया गया है। अब अपन को बोला गया है इन दोनों की लेंथ सेम है, अगर दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है और ये 1, 0 है तो अल्टीमेटली एक तरीके से इस पर 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ऐसे ध्यान रखना इस बात को, एकदम एग्जैक्ट डायग्राम है, तो दोनों साइड क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी, ये दोनों एंगल कितने बोलो 90 डिग्री। अब इसमें मेन बात तो है अगर ये फोकस है तो दोनों क्या होंगी इसकी फोकल कोड, तो इसमें एक काम करो अपन इस पॉइंट को मान सकते हैं T1 square, 2T1। अगर ये T1 square, 2T1 है तो अल्टीमेटली पॉइंट कितना जाएगा, पढ़ा था अपन ने, ये अगर AT square, 2AT इसमें 1 है तो T1 square, 2T1, तो ये क्या होगा A upon T square, -2A upon T1, तो ये आ गया, ये तो समझ लेना है, ठीक है। और उसके बाद इस फोकल कोड की लेंथ, अपन फोकल कोड की लेंथ कहते हैं ए टी प्लस 1 upon T का होल स्क्वायर, ए तो 1 है, टी की जगह T1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लो ये वैल्यू गिवन है 25/4, अल्टीमेटली से आ गया टी प्लस 1 upon T आ गया प्लस माइनस के 5/2। तो देखो इसमें दो केस मानना, जब टेकिंग प्लस की बात करोगे तो देखो टी इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है बेटा, और टेकिंग माइनस लोगे तो टी इक्वल टू माइनस 2 इसको क्या करता है बोलो सेटिस्फाई। तो जब आप टी को 2 लोगे, टी को क्या लोगे 2, तो एक पॉइंट तो कितना जाएगा, जैसे किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम उल्टा हो सकता है, ये टी ले टी को 2 लो या 1/2 लो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो 1/2 मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले पॉइंट छोटा लगते बाद में बड़ा। तो टी को अगर हाफ लेते हो तो ये पॉइंट तो आ गया 1/4, 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या होगा, इसको सी बोल देते हैं, T1 square, 1/2 लेने पे 4, -4, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं, ये पॉइंट अपन को पता है 1/4, 1, तो ये इसकी लेंथ डबल हो जाएगी ना, तो ये लेंथ तो क्या हो जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगी बोलो 4 और 4, 8, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4, तो ये 8 होगी। उसके बाद इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो ये 1 डिस्टेंस है और ये टोटल 4 है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी बोलो, सॉरी ये पॉइंट तो 1/4 है और ये 4 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 4 - 1/4, दिस इज 15/4। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या हुआ, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 2 + 8 = 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15/4, तो ये 5 आ गया, तो कितना आ गया 75/4, ये पी आ गया, तो 4p की वैल्यू क्या होगी बोलो 75। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो ही थीम थी, पहली बात तो बोथ डायगोनल्स आर पासिंग थ्रू दी फोकस, तो देन दीज आर कॉल्ड फोकल कोड, और उसके बाद ये एंगल बेटा 90 होगा क्योंकि दो साइड आपको लेनी है पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसको ऐसे किया गया, ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। ए फेयर डाइस इज रोल्ड या थ्रोन एन नंबर ऑफ टाइम, एक फेयर डाइस को एन टाइम्स आपको थ्रो करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, जैसे आपने एक डाइस को एन टाइम थ्रो किया
पहली बार थ्रो किया जैसे वन आ गया, तो अगली बार थ्रो करने पे डिजिट क्या होगी, वन से ग्रेटर होगी। यही बोला गया है, इफ दी प्रॉपर्टी ऑफ ऑलवेज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन दी प्रीवियस नंबर इज 5/54 देन दी वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू, और एन लेस देन 6 रखना मस्ट है, क्योंकि आप डाइस को केवल उतनी बारी थ्रो करना जितने उस पर क्या है बोलो डिजिट्स हैं, ठीक है, ये इसका मेंशन है क्वेश्चन में। तो देखो सीधा लिख सकते हैं, डिवाइड में तो क्या आता है सिंपल स्पेस, तो एक डाइस को एन टाइम्स थ्रो किया गया है तो क्या जाएगा बोलो 6 की पावर n। तो डिवाइड में लिखना अपन को सैंपल स्पेस, तो क्या आ गया 6 की पावर n, प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो 5/14। अब सैंपल इसका देखो फेवरेबल केस का मतलब क्या है, ऐसे समझो एक डाइस को आपने n टाइम्स थ्रो किया है, तो थ्रो करने पे जो नंबर्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो अपन ये मान लेते हैं एक डाइस को आपने n टाइम्स थ्रो किया और n की वैल्यू बेटा 6 से लेस ध्यान रखें, टोटल डिजिट 6 है, तो 6 में से हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होगी ना, बात को समझो। एक डाइस को आपने n टाइम थ्रो किया, क्वेश्चन की कंडीशन है ऑलवेज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, अल्टीमेटली जब आप एक डाइस को n टाइम्स थ्रो करोगे तो ऑल टाइम जो डिजिट्स है वो क्या होगी डिफरेंट होगी, तो टोटल डिफरेंट ऑप्शन कितने 6, तो 6 में से कोई भी आप n ऑप्शन चुन लो, क्योंकि जो डाइस को थ्रो करोगे तो वो 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर थ्रोइंग डाइस का नंबर 6 से ज़्यादा आ गया तो 100% कोई भी डिजिट रिपीट होगी, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ प्रीवियस नंबर इज ऑलवेज, इफ दी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन दी प्रीवियस नंबर, कि प्रीवियस नंबर से बड़ा हो, ठीक है। तो क्या करना है, 6 में से 6 ही n आ गया, 6 में से कोई भी n नंबर होंगे और उनके आने का तरीका एक ही होगा कि पहले छोटा जाए उसके बाद उससे बड़ा अप टू सोन। तो उसको सोल्व करना है, तो देखो अब इसमें एक काम करो ना, आप वैल्यू रख रख के देख लो, क्योंकि वैसे तो सोल्व कर नहीं सकते इसमें। देखो जैसे n को अपन ने 1 रखा, 1 लेने पे आ गया 6/6, गलत आंसर आ गया। एक बार n को 2 रख के देखो, 6c2 की वैल्यू क्या होती है 15, 6 का स्क्वायर 36, 3 से काटो 12 3 36, नहीं ये भी नहीं आया। फिर n को 3 लेके देखते हैं बेटा, 6c3 की वैल्यू क्या होगी बोलो 20, ये आ गया 6 × 6 × 6, इसको कैंसिल करो 4 × 2 3 3 3 × 3 9 54, ये सर मतलब n को 3 लेने पे इसको क्या करेगा बोलो सेटिस्फाई, तो n इक्वल टू 3 इसका आंसर आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपल सी एक क्या गिवन है अपन को, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है, बताना 0 से 4π में इसमें कितने सॉल्यूशन है। देखो इसमें क्या थी, मैं इस फर्स्ट और थर्ड टर्म में 2 को मना गया, तो क्या रह जाएगा 2s³ + c³ + इसमें और इसमें क्या आ गया 2 cos²θ 2 sin²θ, तो 2 आ गया और इक्वल टू आ गया 6 sin θ cos θ। ये फॉर्मूला बना दो a³ + b³ का, तो a + b, अगले ब्रैकेट में sin²+cos²1 − sin cos का मल्टीप्लाई प्लस 2 = आ गया 6 sin cos। अब देखो ये साइन कोस का समेशन है, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या थीम होती है ऐसे क्वेश्चन में, अपन साइन प्लस कोस को टी मान लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 + 2 sin cos का मल्टीप्लाई क्या आ गया बोलो t², तो अपन साइन कोस की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 तो कैंसिल होके 3 आ जाएगा उधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये तो t आ गया, ये 1 − sin cos के मल्टीप्लाई की वैल्यू t² − 1/2 + 1, क्योंकि 2 से कैंसिल, 3 times of अगेन t² − 1/2। तो इसको चलो एक काम करो, 2 को साथ ही रखो ना, क्योंकि अपन को कैंसिल आउट भी तो करना है, तो बात तो सेम ही होगी। ये लो भाई ये 3 आ गया, इस 2 of t को अंदर लेके जाओ, तो क्या आ गया 2 of t − 2 तो कैंसिल हो गया इसके अंदर, तो हो जाएगा −kt³ + kt + 2 = आ गया 3t²−1। सबको राइट में शिफ्ट किया तो इट इज बिकम क्यूबिक इन टी, टी क्यूब आ गया प्लस आ गया 3t², 2 of t 3t, तो −k 3t आ गया और −k³ = बोलो 0 आ गया। अब इसके बाद देखो, हाँ एक 2 ये भी ऐड करना था अपन को,
तो कितना हो गया, ये 3 हो गया ना, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 5 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बोलो, 5। और इसको केयरफुली देखो, 5 और 1 6, 3 और 3 6, तो इसको देखो टी इक्वल टू माइनस वन क्या कर रहा है बोलो, सेटिस्फाई। टी इक्वल टू माइनस वन लेने पे क्या आएगा, ये -1 -5 -6 और +6, और उसके बाद जब टी प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, तो उसकी बात तो करनी नहीं है। टी माइनस वन आ गया, मतलब साइन प्लस कोस का मल्टीप्लाई माइनस वन है। अब ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको क्या करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हो। और ये सिंपल सी थीम है, साइन प्लस कोस का सम 1 या -1 केवल इन चारों पॉइंटों पर हो सकता है। तो देखो, साइन प्लस कोस की वैल्यू -1 या तो इधर होगी या इधर, तो ये लो 0 से 4π में 2 सॉल्यूशन, ये 2, तो टोटल इसके क्या होंगे बोलो, 4 सॉल्यूशन, तो 4 आंसर आपको फिल करना है। इसको थोड़ा स्पीड लिख किया गया है। उसके बाद देखो इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन इन दी प्लेन सच दैट नो 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड नो 3 लाइन्स आर नॉन कॉन्करेंट, देन फाइंड दी नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू व्हिच दीज लाइन डिवाइड दी प्लेन। इसका मतलब क्या, जैसे लेट ई ब्लैक बोर्ड अपना एक प्लेन है, आपने इस प्लेन में एक लाइन ड्रॉ की, तो एक लाइन को ड्रॉ करने से क्या होगा, ये प्लेन आपका 2 पार्टों में स्प्लिट हो गया, मतलब T1 = 1 मान लेते हैं, सॉरी T1 = 2 का मतलब 1 लाइन ड्रॉ करने पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। फिर आपने एक लाइन और ड्रॉ की, तो अब कितने पार्ट हुए टोटल बोलो, 4। इसका मतलब है T2 = 2 क्या आ गया बोलो, 4। अब आपने 3 लाइन ड्रॉ की, तो तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करना कि सबको कट करनी चाहिए, ये लो। अब कितने पार्ट एक्स्ट्रा होंगे, 1, 2 और 3, तो कितने पार्ट होंगे बोलो, 7। ऐसे अगर अपन T4 की बात करेंगे, अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला है, उसको ऐसे ही जनरलाइज किया गया है। अब आपने क्या की, एक लाइन और ड्रॉ की जो रिमेनिंग ऑल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट, ये लो। तो देखो कितने पार्ट डिवाइड होंगे, एक इधर आ गया नया पार्ट, 1, 2, देखो 7 तो पहले थे, 8, 9, 10 और 11 आंसर आ गया। ऐसे ही अपन इसमें TN का फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर N पार्ट में डिवाइड करो तो TN की वैल्यू बताओ। तो देखो एक सीक्वेंस है, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसको अपन मेथड ऑफ डिफरेंस से या डिफरेंस ऑफ मेथड से TN टर्म को कर सकते हैं फाइंड आउट। और मैं तो बोलता हूँ उसको याद रखें, इसका फॉर्मूला 1 + σn, मतलब 1 + σn का मतलब n ऑफ n+, इसका डेरिवेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें n को 6 रख दो तो 1 + 7 = 42, 21, तो इसका 22 आंसर आपको बेटा फिल करना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज्योमेट्रिकली समझे, बाकी मैथमेटिकली तो आप इजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P1, 3 एंड Q5, 7 सबटेंड्स ए राइट एंगल एट पॉइंट RXY एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 2, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर इन XY प्लेन, मतलब आर के टोटल कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो देखो एक थीम तो क्या है, कॉम्प्लेक्स थीम मेथड है, ये P गिवन है, ये Q और ये R अपन को बताना है, अल्फा कोमा बीटा XY। अगर ये एंगल 90 है, अल्फा बीटा की वैल्यू के लिए 2 कंडीशन चाहिए, तो एक बार तो क्या करो, इसका स्लोप लेट M1 है, इसका स्लोप लेट M2 है, तो आप दोनों लाइनें का प्रोडक्ट कर दो -K1, क्योंकि अपन को ये दोनों पॉइंट पता है, तो इससे अल्फा बीटा में एक रिलेशन। आफ्टर दैट ट्राइंगल का एरिया आपको 2 गिवन है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ x1 y11 x2 y21 and x3 y3, लेकिन एरिया पॉजिटिव है तो प्लस माइनस लगा देते। इससे अल्फा बीटा में सेकंड रिलेशन होगा, फर्स्ट रिलेशन से अल्फा की वैल्यू को सेकंड में पुट करोगे तो बीटा में बनती है क्वाड्रेटिक, तो उससे 2 वैल्यू मिलेंगी और अगली से 2 वैल्यू, तो उसके टोटल 4 आंसर आएंगे, करके देखना ठीक है। बट ये लेंथी मेथड है, क्योंकि इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप एक कंडीशन से सेकंड कंडीशन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्वाड्रेटिक बनती है। बाई चांस अगर क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, तो फिर उसको अपन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या, ध्यान दो, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है जिसपे एंगल 90 है, तो अल्टीमेटली अगर एंगल 90 है तो मैं आप तीनों पॉइंटों से एक सर्किल पास करा सकते हैं, और ये 90 तो ये इसका क्या हो जाएगा बोलो, डायमीटर, तो लेट इसका ये सेंटर है। अब देखो ये जो पी क्यू है ना, इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ क्या है,
पी क्यू की लेंथ क्या होगी, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, और इसका भी क्या आ गया बोलो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, तो ये लेंथ आ चुकी है पी क्यू 4√2। पी क्यू इसका डायमीटर है तो 2r तो आ गया 4√2, तो इसकी रेडियस मिल चुकी है भाई कितनी, 2√2। 2√2 का मतलब 2 × 2.4, जरूरत नहीं है बट समझा देते हैं, 4.8, 2.2 सॉरी 1.4 लेते हैं, 14 × 28 2.2, रेडियस इसकी 2√2। आप इसको थोड़ा नॉर्मली समझना, ट्राइंगल का एरिया 2 गिवन है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ। अगर मैं पी क्यू को बेस मानता हूँ तो अपन पॉइंट आर से इस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो पी क्यू कितना गिवन है 4√2, तो 2√2 आ गया, तो एच आ गया, देखो ये 2 4 से 4 चला जाएगा, अल्टीमेटली एच आ गया, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, हाफ बेस पी क्यू का मतलब 4√2, हाइट एच मानोगे 2 आ गया, तो ये लो अल्टीमेटली इसकी हाइट आ चुकी है 1/√2। अब देखो थोड़ा ऐसे समझो, ये सेंटर है, अगर ये पॉइंट अगर एग्जैक्टली इसके मिड में हो, मतलब हाइट अगर ये बने, तो फिर तो ये क्या होगी रेडियस, वो रेडियस है 2√2, बट ये हाइट 2√2 से लेस है, अल्टीमेटली ये पॉइंट आपका एग्जैक्ट। इसमें 3 केस बनते हैं बेसिकली, इफ आर अगर हाइट की इक्वल है, इसकी रेडियस अगर हाइट की इक्वल है, मतलब एज इट इज, तो एक ट्राइंगल के एरिया तो ऐसे बन सकता है और एक ट्राइंगल एज इट इज बन सकता है नीचे की तरफ, तो उस केस में तो इसके 2 आंसर फिल करते हैं इफ आर इक्वल टू एच। इस बार अपने क्वेश्चन में कंडीशन किया आर बढ़ाया, इससे आर की वैल्यू ऐसे घट रही है, अल्टीमेटली क्या होगा, हाइट अगर कम है तो ये पॉइंट इधर ना होकर इधर ले मान लो आप, ये लो, तो ये हाइट आपकी क्या होगी रेडियस से कम होगी, तो एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक ही पॉइंट होगा इधर और एक पॉइंट इधर होगा, क्योंकि हाइट अपन को 1/√2 है, जब ये 2√2 है तो बेटा 1/√2 हाइट का केवल एक ही पॉइंट एक इधर हो सकता है और एक इधर, और सिमिलरली 2 पॉइंट आपके इधर हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका 4 आंसर फिल करना है। और अगर बाई चांस जो हाइट है या रेडियस है वो हाइट से लेस हो, इसके अकॉर्डिंग 2 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, इसके अकॉर्डिंग 4 ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग बोलो 0 ट्राइंगल, तो अभी अपन को आंसर इसका फुल फिल करना है, क्योंकि हाइट है वो रेडियस से लेस है, मतलब रेडियस हाइट से ग्रेट है, तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, तो मैथमेटिकली कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसके बाद अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो डीसीएम के फुल सिलेबस के पेपर में मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन देखें, तो इसमें एडवांस लेवल का है, पहला क्वेश्चन देखें, पैराग्राफ है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एंड अल्फा रेशो -1 प्लस बीटा रेशो -1 प्लस गामा रेशो -1 इज इक्वल टू 1/2। सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, क्लियर है। तो पहले देखो आप यहाँ से, इसमें देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, सो दिस वी हैव इक्वल टू, इसके फैक्टराइजेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, सो हेयर वी हैव, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा गामा अल्फा, इस फॉर्म में आ गया। अब अपने पास में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, सो 2 है, दिस इज 2। फर्दर वी कैन राइट डाउन, इसको देखो फिर आप, इसकी वैल्यू हमारे पास में 6 है, दिस इज 6, एंड अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए इसको देखो किस तरीके से करेंगे हम। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इसके इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 2 है, दिस इज 4, इसकी वैल्यू 6 है, सो प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इस फॉर्म में है, तो
तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, आपके पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन रहेगा क्योंकि इधर ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, इधर आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई। तो यहाँ पर अपने पास में इसकी वैल्यू माइनस वन आई। अब आपको एक वैल्यू और दे रखी है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू। उसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास से ऊपर क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सो अपॉन अल्फा बीटा गामा, ओके, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू। यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, दिस इज माइनस वन, सो व्हाट इज द अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा भी है माइनस टू, सो दिस भी है माइनस टू। इसकी वैल्यू हमें पता लग गई यहाँ पे, और इसकी वैल्यू पता है तो इसमें सिंपली पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, सो दिस भी है माइनस टू, दिस इज प्लस सिक्स, सिक्स हो गया, यहाँ पे आपके पास में सेवन थर्टी फोर्टीन, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब दैट इज एट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, सो एट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस ट्वेल्व लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके दो दोनों रूट्स हैं ना, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हमने माइनस वन निकाली थी, सो इट्स बोथ द रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ माइनस वन, ओके, सो वी हैव टू अप्लाई विच कंडीशन हियर, एफ माइनस वन लेस देन जीरो, ये कंडीशन लगेगी। यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व दिस इज जीरो, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन आएगा, दिस इज प्लस फोर एंड माइनस ट्वेल्व दिस इज लेस देन जीरो, सो ट्वेल्व फोर ए इज लेस देन इलेवन एंड ए इज लेस देन इलेवन बाई फोर, सो व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, सो हेयर मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज वी हैव टू, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो थर्ड क्वेश्चन देखें, दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ, सो एफ एक्स इज गिवन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म में दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आपके पास में, देखो डिटरमिनेंट क्या है, तो टेन एक्स, टेन एक्स प्लस एच, टेन एक्स प्लस टू एक्स इस फॉर्म में दे रखा है, और जी एक्स आपके पास में इस फॉर्म में है, सो देखो एफ एक्स को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसका एफ एक्स क्या आएगा आपके पास में, किस फॉर्म का रहेगा, सो दिस विल बी टेन क्यूब एक्स, टेन क्यूब एक्स प्लस एच एंड प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस टू एच माइनस थ्री टेन एक्स प्लस एच और टेन एक्स प्लस टू एच, इस फॉर्म में आ रहा है, क्लियर है। इसके जब आप फैक्टर करते हो तो देखो वी हैव, इसको फैक्टराइज करने के बाद में हम ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइ, फिर क्या आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उसको सेकंड पार्ट में जो फैक्टर है ना उसको हम वन अपॉन टू ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो आपके पास में ये किस फॉर्म में आएगा, टेन एक्स, टेन एक्स प्लस एच, ओके, टेन एक्स प्लस टू एच ये आएगा। तो उस वाले को पार्ट को आपने क्या किया, टेन एक्स प्लस, तो टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एच, ओके, होल स्क्वायर, फिर टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स प्लस टू एच होल स्क्वायर, फिर प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टू एच हो गया इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्म में जब इसको साइन कोस में चेंज करोगे ना, साइन कोस में चेंज करेंगे और साथ में इसमें क्या है लिमिट, जैसे देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ये अलग से निकाल लेते हैं, जब इसको आप साइन कोस में चेंज करेंगे तो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वी हैव, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एच अपॉन कोस स्क्वायर एच, एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस एच, यहाँ से आपको क्या मिलेगा इधर से, तो इधर से साइन स्क्वायर एच अपॉन साइन क्या आएगा, कोस एक्स प्लस एच, कोस एक्स प्लस टू एच, इधर से साइन स्क्वायर टू एच मिलेगा। तो उसका सेम एंगल बनाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सिंपली जब आप क्या है इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, तो
तो रूट थ्री, जैसे आपके पास में ये है, रूट थ्री को बाहर कर देते हैं ना, ठीक है, तो बाद में इसकी वैल्यू लगा लेंगे। तो इसमें ये तो देखो आपके पास में थ्री टेन एक्स आ जाएगा, और इधर से आपके पास में किस फॉर्म में बनेगा ये, जैसे साइन स्क्वायर एच अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच, फिर इधर साइन स्क्वायर एच अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू एच, ओके, फिर प्लस साइन स्क्वायर टू एच अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू एच, इस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसका सेम एंगल बनाएंगे नीचे, तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली जब आप इसमें लिमिट लगाओगे, सो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, किस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे एफ एक्स, एफ एक्स आपके पास में जैसे ये रूट थ्री है ना ये, तो ये आपके पास में किस फॉर्म में हो गया यहाँ पर थ्री टेन एक्स, क्लियर है, रूट भी रूट थ्री से भी तो मल्टीप्लाई किया ना, इधर रूट थ्री इधर लगा दो, तो इधर रूट थ्री, ठीक है, फिर इससे आपको क्या मिलेगा सिक्स सेक एक्स होल स्क्वायर फोर, इसमें जैसे वन अपॉइंट टू बनाया था ना ये होल स्क्वायर, तो इसके वन अपॉइंट टू हो रहा है यहाँ पे वन अपॉइंट टू, ठीक है ना, तो इधर वन अपॉइंट टू और लग जाएगा। अब इसमें आपको किसकी वैल्यू पूछी है, देखो रूट थ्री एफ पाई बाई थ्री, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपने, यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री टेन पाई बाई थ्री, यू नो द रूट थ्री, दिस इज रूट थ्री एंड सिक्स एंड टू रेज पावर फोर, दिस इज अपॉन टू, ओके, सो वी हैव हियर थ्री, सो दिस इज थ्री एंड नाइन ट्वेंटी सेवन इंटू सिक्सटीन, सो दिस वी इफ यू मल्टीप्लाई दिस इज फोर थ्री टू, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द थर्ड ऑप्शन, ओके, थोड़ा लेंथी जरूर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जी एक्स आपके पास में इस टाइप का है, जी एक्स वी हैव इक्वल टू व्हाट एट माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर फाइव अपॉन वन माइनस साइन टू एक्स, ये है, क्लियर है। अब इसमें देखो अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसमें लिमिट पूछ रहा है, इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट एक्सटेंस टू व्हाट पाई बाई फोर, इसमें लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई फोर, इस फॉर्म में है, इफ यू अप्लाई द लिमिट हियर, यहाँ पे पाई बाई फोर रखोगे यू विल गेट द रूट टू रेस्ट पावर फाइव, तो रूट टू रेस्ट पावर फाइव आपके पास में फोर रूट टू हो जाएगा, तो अगर सो दैट विल बी हेयर जीरो, ये भी जीरो बनेगा, तो दिस इज जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म, तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, लॉपिटल रूल से आपने अगर करें तो इसमें देखो क्या आएगा, ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो भी है माइनस फाइव रूट टू एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर फोर एंड इट्स डेरिवेटिव है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, अब इसका आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस टू कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये इसके साथ कैंसिल होगा, एक क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो इधर आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से थ्री आ गया, ओके, तो यहाँ पे आपके पास में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट क्या है एक्सटेंस टू पाई बाई फोर, अब पाई बाई फोर इसमें लगाओगे आप, पाई बाई फोर इसमें रखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, सो दिस इज रूट टू, सो फाइव रूट टू इंटू रूट टू रेस्ट पावर थ्री अपॉन टू, इसका आपके पास में क्या आएगा टू रूट टू आएगा, सो टू से टू कैंसिल होगा तो दस इसका आंसर आ जाएगा, सो आंसर टू दिस लिमिट वी हैव टेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सेट कंटेनिंग, ठीक है, ए इज ए सेट कंटेनिंग टेन एलिमेंट्स एंड ए सबसेट पी ऑफ ए, एक पी क्या सबसेट है किसका सेट ए का, इज सिलेक्टेड एट रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है एंड सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड, तो सेट ए को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है बाई रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी, पी इज द क्या सबसेट ऑफ सेट ए विच इज सिलेक्टेड एंड देन सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाई रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी, अनदर सबसेट क्यू ऑफ
A is now selected at random. So then the probability that if, so अब अपने को इसमें देखो probability क्या पूछा है, the union of P and or Q is A. तो देखो पहले तो अपने को क्या है sample space के लिए total number of cases के लिए अपने को देखो एक element in how many ways can belong to these two sets, वो कितने तरीके से हो सकता है. तो देखो आपके पास में क्या क्या possibility उठती है, ऐसे देखो ये आपका set A है और ये सेट पी और दिस इज सेट क्यू. ओके, सो अपने को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकालनी भी एक्स कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन से रीजन में हो सकता है. तो एक्स इज हियर, मे बी लाई इन दिस हियर और लाई हियर हियर हियर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हाउ मेनी ऑप्शंस देयर इन, एवरी एलिमेंट विल हैव द फोर ऑप्शंस, इट कैन लाई इन वन ऑफ दीज फोर रीजन्स, इन चारों में से एक रीजन में लाइक करेगा. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, सो फर्स्ट एलिमेंट इज हैविंग द फोर ऑप्शन एंड सेकंड इज आल्सो हैविंग द फोर ऑप्शन, सो 4^10. ओके, अब नाउ पी ए यूनियन मस्ट बी इक्वल टू क्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, सो सो दैट द यूनियन ऑफ दिस टू इज इक्वल टू ए. तो देखो आपके पास में ऐसा हो सकता है, फेवरेबल केसेस के लिए कैसा होगा आपके पास में, सपोज करो here we have p in this way, okay, and q भी है, maximum अपने को देखना है, maximum आपके पास में q मैंने ऐसे ले लिया, तो p तो देखो आपके पास में इस region का हो गया, इस region का ये वाला ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, और q आपका उधर का हो गया, फिर again, so how many maximum possibility for every element of set A, clear है, so which may lie here, so इन दिस रीजन, तो तीन वे से हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, क्लियर है. सो दैट द यूनियन ऑफ द पी एंड क्यू इज ए. अब आप इसका पी और क्यू का यूनियन लेते हैं ना, सो दैट विल गिव द ए, ए इज हियर, दिस इज, सो हियर वी हैव फेवरेबल केसेस 3/10. ओके, एवरी एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, थ्री वेज, सो दैट देयर यूनियन मस्ट बी इक्वल टू सेट ए. सो what is the probability, probability will be here m upon n, so that is 3/4^10. okay, to iska answer aapke paas mein, answer to this question bhi hai, third option. to next, next mein kya keh raha hai, p and q have no elements, no common elements, to p aur q mein koi bhi common element nahi ho, to us case mein dekho aapke paas mein number of टोटल केसेस तो क्या रहेंगे, वही रहेंगे 4/10. सो फेवरेबल केसेस के लिए देखो आपके पास में दे बोथ दी सेट्स पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट मे हैव द थ्री रीजन, सो किसी भी एक रीजन में लाइक करेगा. तो अगर इसमें आता है सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट है, सो देन इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू विल बी 5. इफ पी लाई हेयर, मतलब इफ द एलिमेंट लाई हेयर, सो देन इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड क्यू विल बी 5. तो सिमिलरली अगर एलिमेंट लाई हेयर, सो इंटरसेक्शन ऑफ द पी एंड क्यू विल बी 5. सो हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द थ्री ऑप्शंस, सो दैट एलिमेंट मे लाई इन वन ऑफ दीज थ्री रीजन्स, तो तीनों में से किसी एक रीजन में लाई करेगा, तो फॉर एवरी एलिमेंट सो वी हैव थ्री रीजन्स, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 10. सो व्हाट विल द फेवरेबल केसेस, दैट इज 3/10. प्रोबेबिलिटी विल बी इन दिस केस, सो there is no common element in P and Q, so that will be m upon n, so we have 3/4/10. so answer to this question we have second option. okay, next dekhe, ab isme aapke paas mein further jo section hai aapke paas mein wo kis mein hai, having the answer more one or more than one. okay, तो मोर देन वन का एमसीक्यू है. तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं. सो देन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2. किस इसमें किस में बोला इसने, -π/π. ओके, तो फिर आपके पास में वन रूट लाइज इन इंटरवल, एक रूट लाई करता है इस इंटरवल में. सो फिर आगे क्या कह रहा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to n π, सो नंबर ऑफ रूट्स विल नेवर बी ऑड, तो नंबर ऑफ रूट्स विल नेवर बी ऑड, ये अपने को चेक करना है. तो देखो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में,
यहाँ पर आपके पास में, इसको पहले अपने सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा। तो इसको मैं 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड को, सो 1 प्लस 3 कोस 2x ऐसे लिखा। तो इसमें अंडरूट में क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 ऐसा आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा कोस, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4, इस फॉर्म में आया, ठीक है। सो दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स साइन 2x, ये हो गया। तो इसमें क्या आएगा आपके पास में 1 प्लस 3 कोस 2x, इसको देखो आप बाहर लाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, इसमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 करके होल नहीं लाना बाहर, इसको 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, मतलब ऐसे बाहर आएगा। तो देखो क्योंकि आपको पता है अगर अपने साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये अंदर वाली नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आप इसको 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके बाहर लाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस यानी आपके पास है 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। दिस इज इक्वल टू रूट 2 साइन इनवर्स साइन 2x, ओके। अब ये इसको देखो आपके पास में यहां से क्या 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो वो आपके पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये बना किस फॉर्म का, देखो 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू रूट 2 साइन इनवर्स साइन 2x, ओके। यहां पे क्या आएगा रूट 2 कोस एक्स, दिस इज रूट 2 साइन इनवर्स साइन 2x, ओके। ये मॉडुलस में आएगा, यहाँ पे ये मॉडुलस में रहेगा। तो ये आपके पास है फाइनली, इसको जब सोल्व किया हमने, हमारे पास में क्या आ गया मॉडुलस ऑफ कोस एक्स प्लस इज इक्वल टू रूट 2, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आया साइन इनवर्स और साइन 2x ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो इस फॉर्म में रहा, ओके अब इसका अपने ग्राफ बना लेते हैं। सो यू हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन, एक ही ग्राफ में इनके दोनों के ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखो किस तरीके से आएगा ये, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे ये आपको पता है कहां पे ये जीरो होगा, दिस विल बी जीरो एट व्हाट पाई बाय 2, सो पाई बाय 4 पाई बाय 2, सो हियर 3 पाई बाय 4 पाई, यहां तक आपको इसका ग्राफ बनाना है। ये देखो यहां पे पाई बाय 2 आएगा, यहां पे माइनस पाई बाय 2, ओके। तो माइनस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 4, ग्राफिकली अप्रोच लगाओगे थोड़ा सा आसान रहेगा। नाउ व्हाट विल द ग्राफ ऑफ दिस लेफ्ट मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का ग्राफ आपके पास में क्या आएगा, जैसे देखो ये इस तरीके से रहेगा, ओके। तो नीचे की तरफ फिर ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर इधर यूँ पाई पे जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इसका फिर आपके पास में ये बेटा किस तरीके का रहेगा, ये ग्राफ आएगा। तो सिमिलरली इधर, तो ये आपके पास में किसका ग्राफ बना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x का। नाउ हियर वी हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉडुलस कोस एक्स का, तो कोस एक्स यू नो द जीरो एट व्हाट पाई बाय 2, तो देखो यहां से ये 1 पे आएगा, तो 0 पे 1 होगा ना, तो यहां से ग्राफ इसका ऐसे आएगा एंड एट पाई दिस विल बी 1 आएगा, ये इस फॉर्म में रहेगा। तो सिमिलरली हेयर वी हैव दिस विल बी 0, यहां पे क्या आएगा फिर 1, ओके। फ्रॉम माइनस पाई टू पाई नॉट इंक्लूडिंग पाई,
So how many number of solutions are there? 1, 2, 3, 4. So here we have the 4 solutions. So second option is correct. So अब इसमें देखो 0 से n pi में तो फोर्थ ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं. इफ यू टेक द n इज इक्वल टू 1, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर फ्रॉम 0 टू पाई? सो वी हैव 2. अगर इफ यू गो टू अप टू 2 पाई, अगर 2 पाई तक जाएंगे यू विल हैव अगेन दिस टाइप ऑफ द टू सॉल्यूशन विल बी देयर. तो फ्रॉम 0 टू 2 पाई यू विल हैव फोर सॉल्यूशन एंड फ्रॉम 0 टू 3 पाई यू विल हैव द सिक्स सॉल्यूशंस. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स विल नेवर बी ऑड. तो इसमें आपके पास में नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इन इंटरवल 0 टू n पाई विल नेवर बी ऑड. सो दे विल बी सम इन नंबर. ओके, तो आपके पास में नेवर बी ऑड, दिस इज ट्रू. ओके, तो अब देखो इसमें देखो वन रूट लाइज इन द इंटरवल. अब आपको ये चेक करना है कि वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल. तो आप क्या करोगे, इसको फंक्शन एफ एक्स लेट कर लो. सो मॉडुलस ऑफ कोस एक्स माइनस साइन इनवर्स साइन टू एक्स. तो पहले अपने देखो पाई बाई 8 पे वैल्यू निकाल लेते हैं. सो पाई बाई 8 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसके, पाई बाई 8 पे. सो पाई बाई 8 पे कोस पाई बाई 8. ओके, सो यहाँ पे पाई बाई 8 डालेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4. ओके, तो दैट विल बी हेयर पाई बाई 4 रहेगा. सो पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 आएगा ना, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 पाई बाई. नाउ पाई बाई 4 इज नथिंग, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये जो कॉस पाई बाई 8 है दिस विल बी ग्रेटर देन दिस पाई बाई 4, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलेगा आपको यहाँ पे. तो सिमिलरली आपके पास में एफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 पे देखें तो आपको पता है कॉस पाई बाई 6 दैट इज वी हैव 1 अपॉन 2. यहाँ पे 1 अपॉन 2 आएगा, इधर पाई बाई 6 दैट विल बी हेयर. सो रूट 3 बाई 2, सो सॉरी रूट 3 बाई 2 आएगा. सो रूट 3 बाई 2 दैट इज पाई बाई 3. सो पाई बाई 3 इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 रहेगा आपके पास में. तो कंक्लूजन क्या निकला, वी आर फाइंडिंग हियर द साइन ऑफ एफ एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन विच इंटरवल, इस इंटरवल में चेंज हो रहा है. इट मीन्स देर मस्ट बी वन रूट ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखें, अब इसे फॉर द फंक्शन एफ एक्स नेचुरल लॉग साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स 2. सो इसका आपको देखो पहले डोमेन और रेंज बताना है. सो व्हाट विल इट्स रेंज एंड डोमेन. सो फॉर द रेंज यू नो द, फॉर द डोमेन, फॉर द डोमेन यू नो द दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 रहेगा. तो अब ये वैल्यू आपके पास में क्या नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. अगर आपके पास में लॉग एक्स बेस 2 क्या है, नेगेटिव आ गया, तो आपके पास में साइन इनवर्स विल भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. तो नेगेटिव के लिए नेचुरल लॉग क्या डिपेंड नहीं है. तो ये क्वांटिटी आपके पास में क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए. तो साइन इनवर्स दिस लॉग ऑफ एक्स बेस 2 दिस विल बी ग्रेटर देन 0. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, दैट इज पाई बाई 2. सो दिस विल नेवर एक्सीड पाई बाई 2. तो ये पाई बाई 2 रहेगा. अब इसमें से इसको साइन को हटाएंगे, सो यू विल हैव 0. So here we have log x base 2. Okay, so we have here this is less than equal to 1. अब इसमें देखो आप इस log को हटाएंगे, log को हटाएंगे, so this will be 2 raised power 0. Here we have x, here 2 raised power 1. So we have domain is we have 1 2 2 closed interval. So third option is correct here. Okay, so now for the range. सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रेंज. तो इसकी रेंज अपने को निकालनी है. तो यू नो, सो इफ यू पुट हियर 1, यू नो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. तो 1 पे इसकी आपको कम से कम वैल्यू मिलेगी. सो साइन इनवर्स ऑफ एनी क्वांटिटी, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा यहाँ पे आपके पास में. तो 1 पे देखो आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा. साइन इनवर्स 0 0, सो नेचुरल लॉग ऑफ 0 दैट इज माइनस इन्फिनिटी. तो 1 पे डिफाइंड नहीं है ना, तो आपके पास में माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है. 2 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1. तो साइन इनवर्स 1 दैट वी हैव पाई बाई 2. सो व्हाट इज इट्स रेंज, रेंज वी आर गेटिंग हियर, रेंज क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू लॉग ऑफ पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल. ओके, सो दिस इज द रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसमें देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन द nth ब्रैकेट ऑफ द सीरीज। तो nth टर्म में आपको सम फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी, मतलब व्हाट विल द सम ऑफ द टर्म्स इन nth टर्म। तो आपके पास में देखो, पहले टर्म में कितने टर्म्स है, यहाँ पे वन है, तो दूसरे में आपके पास में कितने हैं, तीन है, ठीक है, तो तीसरे में आपके पास में कितने, पांच है, ओके। तो यहां से अगर आप कंक्लूजन देखें, इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां पे 2 इंटू वन माइनस वन, तो यहां पे 2 इंटू टू माइनस वन एंड 3 इंटू टू माइनस वन, ओके। तो आपके पास में देखो थर्ड टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स 3 इंटू टू माइनस वन एंड सेकेंड में 2 इंटू टू माइनस वन इन nth टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर इन nth टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन nth टर्म दैट विल बी 2n माइनस वन, इतना रहेगा 2n माइनस वन। इस फॉर्म में आ रहा है ना, जैसे 1, 3, 5, तो आपके पास में एक एपी आ रहा है 1, 3, 5, 7, व्हाट विल बी इट्स nth टर्म, दैट विल बी द 2n माइनस वन, ओके। अब नाउ द फर्स्ट टर्म, अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना ऑफ द nth टर्म, सो देयर विल बी अ फर्स्ट टर्म ऑफ द nth टर्म। nth टर्म में देखो आपके पास में क्या आएगा, एक फर्स्ट टर्म निकालना है अपने को, तो इसका देखो फर्स्ट टर्म कितना है, यहां पे 1 है, दूसरे का क्या 2 है, तीसरे का क्या 5 है। अब यहां पे डिफरेंस कितने का, 1 का, यहां पे 3 का है, तो अगले वाले में आपके पास में 1 का 2 2 का डिफरेंस है ना इधर, तो अगले वाले में आपके पास में 10 का आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 5 का डिफरेंस होगा। फिर आगे आपके पास में 7 का मिलेगा, 17 मिलेगा, ऐसा है। सो दिस वी आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ द एनी टू टर्म्स वी आर गेटिंग हियर एपी, एपी मिल रहा है आपको। तो यहां पे जैसे 1 का डिफरेंस है, यहां पे 3 का, तो अगले वाले में टर्म का डिफरेंस कितना, 5 का, फिर उसमें 7 का होगा। तो अपने को इसका nth टर्म, मतलब इसका व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो जैसे देखो आपके पास में यहां पर, तो फोर्थ टर्म का फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास में, 10 आएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सेकंड टर्म का यहां पे आपके पास में फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है। सो तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। nth ग्रुप में आपके पास में कितने टर्म्स होंगे, 2n माइनस 1 आएंगे, तो उसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आपके पास में जैसे अगला टर्म क्या आएगा, 10 आएगा, उसमें 10 में फिर आपके पास में कितने टर्म्स होंगे, दैट विल बी, मतलब नेक्स्ट वाले में, तो उसमें 7 टर्म हो जाएंगे। तो अपने को देखो इसका nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, दिस इज डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स कंजुगेटेड टर्म्स इज बी एन एपी। यहाँ पे आपके पास में क्या रहा है, 2 + 5 + 10 ऐसे चल रहा है, सो वी हैव टी एन। अब इसमें डिफरेंस करके तो करें, तो 1 + 2 + 5, एक टर्म आगे शिफ्ट करके कर दो, सो दिस वी हैव टी एन माइनस 1 + TN। तो इसका टी एन क्या आ गया आपके पास में, टी एन विल बी 1 + 1 + 3 + 5, इस तरीके से आएगा। सो ये आपके पास में यहाँ पर क्या, n माइनस 1 टर्म्स हो गए। जब इसका आप सम निकालोगे, हियर वी हैव n माइनस 1/2, सो दिस वी हैव 2 + n-1, ओके। यहाँ से आपके पास में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे n-1 टर्म थे ना, तो n-2 हो जाएगा। तो इसको देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कटेगा, तो 1 + n-1 square। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ nth टर्म। nth जो आपके पास में टर्म आएगा उसका फर्स्ट टर्म ये होगा। इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपके पास में, 2। तो थर्ड की बात करें, अपने पास में थर्ड की देखो, यहाँ पे 3 - 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 5। सो वी हैव इन nth ब्रैकेट, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास में फर्स्ट टर्म चेक कर लिया, थर्ड ब्रैकेट में चेक कर लिया, इन nth ब्रैकेट यू हैव द फर्स्ट टर्म दिस वन, एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी है 2n-1, सो व्हाट विल द सम, तो सम निकाल लेते हैं, देखो कैसे आएगा। सो सम विल बी है, सो फर्स्ट टर्म भी है दिस वन, ओके। सो नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1/2, सो दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो n square
माइनस टू एन एंड प्लस टू, ओके इसको फोर टू एन स्क्वेयर माइनस फोर एन प्लस फोर, सो कितने टर्म्स हैं उसमें, सो टू एन माइनस टू और कॉमन डिफरेंस आपके पास में वन रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो आपके पास में सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, इसमें दो ये चला जाएगा तो टू एन माइनस वन एंड वी हैव माइनस टू एन हियर टू, सो दिस इज एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस वन, ओके तो यहां से इसको जब सिंप्लीफाई करोगे टू एन माइनस दिस माइनस टू एन स्क्वेयर माइनस दिस माइनस थ्री एन स्क्वेयर, ओके यहां से प्लस का एन और प्लस का थ्री एन, प्लस का थ्री एन माइनस वन, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सो टू एन क्यू माइनस थ्री एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन माइनस वन, सो दिस वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, इफ यू ओपन दिस मतलब इफ यू हियर ओपन दिस ब्रैकेट इसको अगर खोलोगे सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ओके तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, अगर इसको ओपन करोगे दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन का है क्वेश्चन, ये आपके पास में कोस एक्स होल पावर फोर डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स होल पावर फाइव प्लस कोस एक्स होल पावर फाइव होल पावर थ्री अपॉन अपॉन में डिनोमिनेटर में ये दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा आपके पास में, यहां से मैं साइन एक्स होल पावर फाइव को क्या कॉमन निकाल लेता हूं, क्योंकि इधर देखो आपके पास में जो रिजल्ट है ना वो कोट एक्स होल कोट एक्स में दे रखा है राइट हैंड साइड में, तो अपने को कोट बनाना है, यहां पर आप क्या करोगे इसमें से जब आप कॉमन निकालोगे यहां पे साइन एक्स होल पावर फाइव तो साइन क्यूब एक्स आएगा, यहां पे क्या बन गया साइन एक्स होल पावर सिक्स, तो वन प्लस कोट इस फॉर्म में आ रहा है, ओके अब इसमें देखो यहां से आपके पास में क्या बन गया ये, हियर वी हैव कोट एक्स होल पावर फोर एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, ये cosec square x आएगा cosec square x, अब now you have to put here किसको put करना है अपने को, इसको t put कर लो, इसको जब आप t put करोगे तो क्या आएगा 1 plus cot 5 cot x whole power 5 is equal to t, so this we have 5 cot यहाँ पे 4 आएगा and cosec square x इसका derivative किया, so cot minus 5 cot x whole power 5 कोसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ रहा है, तो अब इसमें देखो आपके पास में कोट एक्स होल पावर फाइव कोसेक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन क्या माइनस फाइव इस फॉर्म में आ गया, तो अपने पास में क्या इंटीग्रेशन बन गया देखो, सो दिस वी है माइनस वन अपॉन फाइव एंड टी रेशवर माइनस थ्री अपॉन फाइव डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अपने क्या बनेगा ऊपर देखो टी रेशवर कितना, सो हियर वी हैव 2.5 फिर 2.5 माइनस में हियर 5 5 5 कैंसिल हो गया आपके पास में क्या आ गया माइनस 1.2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी, सो वैल्यू ऑफ टी वी हैव हियर 1 प्लस कोट एक्स होल पावर 5 एंड होल पावर 2.5, ओके ये किसके बराबर आ गया ये, अब यहां से आप कंपेयर करो ये 5 है यहां पे 5, सो यहां से कंपेयर करो व्हाट इज ए, ए वी हैव 5 एंड बी इज वी हैव 2.5 इस तरीके से दे रखा अपने को ना, तो देखो अब इसमें ए वी हैव इक्वल टू व्हाट ए 5 एंड बी वी हैव 2.5, सो व्हाट इज द ए प्लस बी, ए प्लस बी हैव हियर 27.5, व्हाट इज ए बी, ए बी वी हैव हियर 2, ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो नंबर ऑफ, तो फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स मतलब इसमें सम भाजकों की संख्या कितनी 12 होगी ये बताना है, अगर आप इसके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें देखो आपको क्या मिलेगा, ये टू रेस्ट पावर जैसे ये 1800 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 900 हियर वी हैव 2450 सो दिस वी हैव 2 यहाँ पे 225 आ गया दिस इज 3 तो 75 आएगा यहाँ पे फिर 3 25 सो हियर वी हैव 1800
2 raised power 3 and 3 square and 5 square. So that divisor must be the multiple of 15. So must be the multiple of 15, 15 का मल्टीपल होना चाहिए. तो इसमें आपके पास में कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपके पास में यहाँ पर एक 3 और एक 5 उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए. ओके और आपके पास में यहाँ पर एक 2 भी, एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 3 एंड एटलीस्ट 1 5 मस्ट बी इंक्लूडेड देयर. तो देखो अगर आपके पास में 15 आएगा यहाँ पे, इनसे प्रोडक्ट से बनेगा, तो फिर 2 रेज पावर 3 तो दैट मस्ट बी द क्या है, मल्टीपल ऑफ 15. तो कितना आपके पास में रहेगा इसका आंसर. इसमें नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछा है ना, इवन डिवाइजर्स. इवन डिवाइजर्स के लिए यू हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 2 एंड 1 3 1 5 विच इज द मल्टीपल ऑफ 15. तो उसके लिए फिर आपके पास में एटलीस्ट 1 1 2 भी कैन बी इंक्लूडेड, दैट भी कैन बी इंक्लूडेड इन 3 वेज. तो आपके पास में हाउ मेनी नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ वट 15. सो दैट विल बी हेयर 12. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछे हैं इस इक्वेशन के. तो देखो आपके पास में कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हेयर वी हैव, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा. ओके सो यहाँ से साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा. सो यू नो द आइदर साइन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव. सो अगर ये पॉजिटिव है दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इफ साइन थीटा इज नेगेटिव सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू वट माइनस टू से कम रहेगा. सो यू नो द कॉस थीटा ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1. सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है फिर आपके पास में -1 और 1 के बीच में एंड राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2. सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव हियर 0. तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सो इफ d1 d2 d3 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ओके ABC. सो देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इज आर 3 आर. आपको ये बताना है कि ये सही है कि नहीं सही है. तो देखो इसमें सो डिस्टेंस ऑफ एवरी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम इट्स ऑर्थो सेंटर ABC का, जैसे देखो ये ABC ये आपका ऑर्थो सेंटर है, इससे इसके डिस्टेंस क्या क्या होते हैं. तो वी हैव d1 इज इक्वल टू 2 आर कॉस ए, ये फार्मूला होता है d2 ये 2 आर कॉस बी एंड d3 वी हैव 2 आर कॉस सी. ओके सो व्हाट इज द d1 प्लस d2 प्लस d3. सो दिस वी हैव 2 आर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इस फॉर्म में आएगा. ओके तो अब इसमें देखो आपको पता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2, 3/2 से कम रहता है. सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2 आर इन टू 3/2. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3 इज 3 आर. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है ऑल्सो थर्ड ऑप्शन. सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द दिस इक्वेशन इज 5. तो इसको चेक करना है क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 5 आ रहा है क्या. तो देखते हैं. सो log 2 raised power x plus 1 बेस में 10 प्लस x माइनस 37. और इधर आप इसको क्या लिख लेंगे, देखो इसको मैं log 10 बेस 10 लिख देता हूं, log 10 बेस 10 1 को. सो दैट विल बी हियर किस फॉर्म में आ जाएगा, x log यहाँ पे 2 log 2 बेस 10. अब इसको x को इधर ले जाओ आपके पास में, इसको हटा देंगे तो log x raised power प्लस 1 प्लस x माइनस 37. सो दिस वी हैव 2 raised power x. तो यहाँ पे आपके पास में 2 raised power x प्लस 1 माइनस 2 raised power x, दैट विल बी हियर किस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में, 2 raised power x इज इक्वल टू 37 माइनस x, इस फॉर्म में आएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई इट, आपको पता है x इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई करता है.
Okay, so this is the only one value of x which satisfies this equation. So exactly one value. So here we have number of values of x satisfying this is 5. Number of values there are, but number of values we are getting here only one. Ek value mil rahi hai which satisfies this equation. So answer to this question, we have the first, second, and third. So this is incorrect. The next again. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपके पास में, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसको पहले इसका लीनियर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है आपके पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स. दिस भी है माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स एक्स माइनस वन इस फॉर्म में इंटू वाई एंड एक्स क्यू टू एक्स माइनस वन अपॉन x x माइनस वन. सो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो आपके पास में क्या आ रहा है. हियर वी हैव e रेज पावर माइनस x माइनस टू अपॉन x x माइनस वन डी एक्स. इसके पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करेंगे तो देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे e की पावर में. तो पहले क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन लेना है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर अपने वन डालेंगे तो दैट विल गिव दी हियर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आ रहा है. ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू यू पुट हियर जीरो, सो वी हैव हियर टू अपॉन x प्लस टू अपॉन x. ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा ये. सो दिस विल बी माइनस, हियर वी हैव लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ये मिलेगा आपको ना, इस तरीके से आएगा. तो इसमें जब ये माइनस को इधर लेके जाएंगे तो दिस विल बी ई रेज पावर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी हैव एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है. सो जस्ट वी हैव फाउंड हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया. अब इसमें देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास में, वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सो वी हैव राइट हैंड साइड दिस वन, सो एक्स क्यू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन. सो ये आपके पास में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इनटू डीएक्स. तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी हैव, यहाँ से आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस वन डीएक्स, ये इस फॉर्म में आ गया आपके पास में. तो देखें सो y x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसको इंटीग्रेट किया, सो वी आर गेटिंग हेयर क्या इंटीग्रेशन मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सो दिस y x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कर दिया आपके पास में, देखो x माइनस वन कटेगा तो यहां से आपके पास में सिंपल क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन. ओके, अब देखो इसमें ऑप्शंस को अपने अप्लाई करके देखते हैं. अगर कहता है एफ वन एग्जिस्ट करता है, एफ वन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन इज एफ एक्स, दिस पार्ट मस्ट बी जीरो इन ऑर्डर टू मेक दिस फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट. अगर इसको एग्जिस्ट करवाना है फंक्शन को भाई ये विद्यमान हो, तो आपके पास में सी मस्ट बी जीरो. तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन वी मस्ट हैव द सी इक्वल टू जीरो, तो सी आपके पास में जीरो होना चाहिए. सो व्हाट इज द फंक्शन वी हैव एफ एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, वन पे कह रहा है वो. सो एक्स क्यूब हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज नॉट ए इवन फंक्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. इफ एफ वन एग्जिस्ट कहता है, एफ वन अगर एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन विल बी हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो देन वी हैव एफ वन इज इक्वल टू वन. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर वी है. सो थर्ड ऑप्शन में देखें, इफ एफ टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, यहाँ पे एफ टू इज इक्वल टू ट्वेल्व डालो तो यहाँ पे ट्वेल्व आएगा, यहाँ पे एट, हियर वी हैव फोर, फोर आएगा फोर सी. तो सी इज इक्वल टू वी हैव वन, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है. तो फंक्शन किस फॉर्म में बन गया आपके पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन
ऐसा हो गया. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एफ ऑफ माइनस टू. माइनस टू निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस टू. वी हैव माइनस एट एंड हेयर वी हैव माइनस फोर अपॉन थ्री. सो दिस वी हैव माइनस 27 अपॉन थ्री. सो वी हैव 28 अपॉन थ्री. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट भी है. नाउ वेन एफ टू इज इक्वल टू एट, अगर एफ टू की वैल्यू 8 रखते हो आप, देखो फंक्शन ये रहा हमारे पास में, ठीक है. फंक्शन आपके पास में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू भी है एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन. अब वो क्या कह रहा है, एफ टू इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे 8 रखोगे, हेयर भी है 8, सो 8 सी विल बी 0. तो सी यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे 8 2 डाला तो 4, यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास में, हेयर भी फंक्शन है एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब रहा तो एफ टू इज इक्वल टू वी हैव 8. ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है. तो सेकेंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अब इसमें देखो ये आपके इंटीजर टाइप का नेक्स्ट सेक्शन जो है इंटीजर टाइप का है, इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है. सो यू हैव ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू. सो ए वी हैव इक्वल टू व्हाट, 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4, and 1 upon 3 raised to 4, and 4 raised to 4. ओके, तो यहाँ से मैं जो इवन, जिनके डिनोमिनेटर में इवन नंबर आ रहा है ना, इवन की पावर आ रही है, तो उसको क्या अपने अलग कर लेते हैं सबको. देखो कैसे, और जो ऐसे 1 upon 2 raised to 4, 1 upon 4 raised to 4, 1 upon 6 raised to 4, इस तरीके से आएगा. इधर क्या होगा फिर आपके पास में, 1 plus 1 upon 3 raised to 5, 4, 1 upon 5 raised to 4, ये इस तरीके से आएगा. इसमें से 2 raised to 4 को कॉमन निकाल लें, ठीक है. 2 raised to 4 को कॉमन निकालेंगे, सो वी हैव हियर, सो दिस इज 1 upon 2 raised to 4. तो दिस वी है 1 upon 2 raised to 4, 1 upon 3 raised to 4. ओके, दिस इज ए एंड नाउ दिस बी, ये बी बन गया आपके पास में, ये बी, ये आपके पास में ए आ गया. तो ये कितना हुआ आपके पास में, ए अपॉन 16 प्लस बी. तो दिस वी हैव 15 upon 16 into A is equal to B. सो ए अपॉन बी, बी हैव इक्वल टू 16 upon 15. सो पी माइनस क्यू वी हैव इक्वल टू व्हाट, पी माइनस क्यू वी हैव इक्वल टू 1. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अब इसमें देखो द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज ए, ए गिवन है ना. सो देन फाइंड द ए माइनस सिक्स, ए माइनस सिक्स फाइंड आउट करना. तो इसका पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं. देखो आपके पास में जनरल टर्म क्या आ रहा है. सो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल आर 1, फैक्टोरियल आर 2, फैक्टोरियल आर 3, इस तरीके से आएगा. सो हियर वी हैव 1 raised to R1 एंड अंडर 2 raised to R2 एंड अंडर 5 raised to R3, इस फॉर्म में आ गया. तो आपके पास में देखो दिस इज आर 1, आर 2, आर 3. सो दिस वी हैव 2 raised to R2 upon 2 एंड 5 raised to R3 upon 2 एंड 1 raised to R1. तो यहाँ पे आपके पास में इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, देयर सम मस्ट नॉट एक्सीड 6, ठीक है. 6 इनका सम हमेशा क्या 6 का रहेगा. अब देखो आपके पास में किस तरीके से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं अपने R1, R2, R3 का, ठीक है. तो इसमें जैसे 0, 0, 6, सो बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो ये कितने वे से हो सकता है, यहाँ पे 3 वे से हो सकता है. आर वे, आर वन कैन हैव द वैल्यू 6 एंड आर टू आर थ्री विल हैव द 0, 0. आर टू में हैव द वैल्यू इक्वल टू 6, आर वन एंड आर थ्री विल हैव द 0, 0. तो सिमिलरली आपके पास में देखो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 0, 2, 4 ऐसा भी हो सकता है,
दिस विल बी इन सिक्स वेज, छह वेज से हो सकता है आपके पास में, इनको एडजस्ट करना है, मतलब अरेंज करना है, एंड लास्ट वन यू विल हैव द दिस वन वे, ये वन वे. सो आपके पास में 10 ऐसे रैशनल टर्म्स आएंगे, यू विल हैव द 10 रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन. ओके, सो ए इज वी हैव इक्वल टू 10, सो व्हाट इज द ए माइनस 6, दैट इज 4. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखो आपके पास में दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस. सो एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4/3 यूनिट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, वेयर ई इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला. तो देखो पहले अपने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो, 3√5 ये रखेंगे ना अपने पास में. तो यहाँ पे ये कितना बनेगा आपके पास में, 3√5, दिस विल बी है 15. तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, y इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू भी है 3√5. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 3√5, 1. तो ये दिस लाइज ऑन दिस पैराबोला हाइपरबोला, दिस लाइज ऑन दिस हाइपरबोला, इट विल मस्ट, इट विल सेटिस्फाई इट. तो इसमें देखो आपके पास में 45 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो सेकंड कंडीशन इज गिवन टू यू, दैट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4/3. सो आपके पास में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² / a, दैट इज 4/3. सो b² वी हैव हियर 2a/3. तो b की वैल्यू यहाँ डालोगे, यू विल हैव 45/a². सो हियर वी हैव, सो 3 2a इज इक्वल टू 1. ये आपके पास में 90 - 3a इज इक्वल टू 2a². ओके, यहाँ से इसके फैक्टर करोगे, 2a² + 3a - 90 इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में आ रहा है, सो दिस 180 एंड 15 एंड 12 इसके फैक्टर बनेंगे, 2a² + 15a - 12a - 90. ओके, सो a इज इक्वल टू बी हैव हियर 6. a हमारे पास में 6 आ रहा है, तो जब a की वैल्यू हमारे 6 पता लग गई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b² वी हैव इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 6 डालेंगे तो दिस इज 4. सो व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी, स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी वी हैव 1 + b² / a². ओके, यहाँ से आपके पास में b² मिल गया आपको, कितना, 4, दिस इज 36, 40/36. सो दिस वी हैव 10/9. e² वी हैव 10/9. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 9 e² / 2. सो दिस वी हैव 9/2 × सो वैल्यू ऑफ द e² वी हैव 10/9. तो 10/9 यहाँ रखोगे, सो वी हैव हियर दिस इज 5. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 5 आंसर आएगा. अब इसमें देखो आपके पास में कॉट इनवर्स 1² + 3/4, कॉट इनवर्स 2² + 3/4, कॉट इनवर्स 3² + 3/4 अप टू इन्फिनिटी. सो इट्स सम इज गिवन टू इन दिस वे. तो देखो पहले अपने इसका देखो जनरल टर्म लिखते हैं, जैसे देखो टी आर विल बी हेयर कॉट इनवर्स, सो वी हैव r² + 3/4, इस फॉर्म में आ गया. इसको टेन में चेंज कर लो, तो टेन में जब चेंज करोगे, सो यू विल हैव हेयर, सो दिस इज 4/4, इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है ना. तो नीचे चला जाएगा ना, 1/, सॉरी इसको ऐसे करो, सो 1/1 क्या आएगा, r² + 3/4, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है. तो tan इनवर्स भी है, इसको आगे देखो किस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1/4 ऐड करो, 1/4 ही क्या, सबट्रैक्ट करो. सो वी हैव हेयर 1 + r² + 1/4, यहाँ पे 1/4 क्या ऐड किया, तो आपके पास में 1 बनेगा, 1/4 सबट्रैक्ट किया, सो दिस विल गिव दी हेयर 1/, यहाँ पे माइनस का चाहिए मेरे को ना, तो माइनस का 1/4, देखो ऐसा माइनस का 1/4, ये देखो इसमें मैंने 1/4 ऐड किया, तो 3/4 + 1/4 दैट विल गिव दी 1 हेयर, एंड -1/4 को इसके साथ में कंबाइंड कर लिया. अब इसके फैक्टर देखो क्या होते हैं, इसके फैक्टर,
So we have tan inverse, that is 1 upon 1 plus r minus 1 upon 2 and r plus 1 upon 2. इस फॉर्म में इसको क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स. सो वी हैव r प्लस 1 अपॉन 2 माइनस r माइनस 1 अपॉन 2. इस फॉर्म में लिख दिया 1 प्लस r माइनस 1 अपॉन 2 एंड r प्लस 1 अपॉन 2. तो ये आपके पास में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला बनेगा. यहाँ पे क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स r प्लस 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 अपॉन 2. इस फॉर्म में आ गया ये. अब इसमें देखो आपको ऐड करना है अप टू व्हाट, इन्फिनिटी तक ऐड करना है. सो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे चलेगा ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी में देखो आपके पास में ऐसे टर्म कैंसिल होते जाएंगे. जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 अपॉन 2 माइनस इधर क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 2. फिर इधर क्या आएगा, 1 रखें 2 रखेंगे तो 5 अपॉन 2, तो tan इनवर्स 5 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 3 अपॉन 2. ऐसे ये सारे के सारे टर्म क्या है, कैंसिल होते जाएंगे. लास्ट में आपके पास है प्लस का क्या आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करा तो देखो सम किसके इक्वल आ गया आपके पास में, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 2. सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 2. इस फॉर्म में आ गया. ओके, इसको मैं कोट इनवर्स क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स 1 अपॉन 2. इसको लिखा हमने tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2. ये आपके पास में देखो इसके साथ में कंपेयर कर लो, tan इनवर्स 2 पुट इक्वल टू हियर वी हैव n पाई अपॉन 4 माइनस tan इनवर्स 3. सो वी हैव tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू n पाई बाई 4. अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, टेन टू और थ्री का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वन से बड़ा आ रहा है ना. सो यू नो दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस, अब इसमें फार्मूला लगा देंगे अपने, टेन इनवर्स टू प्लस थ्री अपॉन वन माइनस सिक्स ऐसा आएगा, प्लस इज इक्वल टू क्या एन पाई बाई फोर, इस फॉर्म में रहेगा. तो यहाँ पे क्या आया आपके पास में देखो, पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू एन पाई बाई फोर, ये इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो देखो अब tan इनवर्स माइनस वन यू नो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस पाई बाई फोर. सो हियर वी हैव n पाई बाई फोर, सो दिस वी हैव थ्री पाई बाई फोर एंड n पाई बाई फोर. सो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू थ्री. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव थ्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, वेक्टर का क्वेश्चन है. मोडलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वन, मोडलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू वन एंड मोडलस ऑफ ए वेक्टर प्लस प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री. इफ सी वेक्टर बी ए वेक्टर सच दैट द सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर माइनस थ्री ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू वी हैव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इसका मोडलस है, इट्स मोडलस. सो देन वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ पी स्क्वेयर वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, तो देखो अपने पहले यहाँ से इसका स्क्वेयर करते हैं. स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर. सो दिस इज थ्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टू हो गई. सो हेयर वी हैव ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर वी हैव इक्वल टू वन अपॉन टू. ओके, तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की वैल्यू हमें वन अपॉन टू पता लगी. अब इसका मैं क्या करूँगा, इसका सी वैक्टर के साथ में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. जब आप इसके साथ में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करोगे सो दिस पार्ट विल बी जीरो, ये पार्ट जीरो हो जाएगा आपके पास में. सो हियर वी हैव ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा हुआ. इसकी वैल्यू वन हो गई, सो दिस वी हैव वन. सो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर वी हैव टू, इसकी वैल्यू दो आ गई हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू टू. तो सिमिलरली मैं बी वेक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा. सो बी वेक्टर के साथ में अपने डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस टू बी वेक्टर स्क्वेयर. इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा.
यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाली है 1/2, दिस इज 1/2, 5/2. ओके, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी है, दिस इज इक्वल टू 5/2, एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी है इक्वल टू 2. तो देखो अब इसमें क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू बतानी है. इसमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का फॉर्मूला लगाएंगे अपने. देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा आएगा. ए वेक्टर आ गया. तो अब इसमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2, माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस भी है 5/2 ए वेक्टर. ओके, अब इसका देखो बी स्क्वेयर ले लेना, बी स्क्वेयर, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास में 4, एंड दिस इज 25/4, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी है हियर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जस्ट वी हैव फाउंड हियर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वी हैव, सो दैट विल बी, यहाँ से स्क्वेयरिंग करा था ना हमने, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आया था, 1/2 के इक्वल आया था यहाँ पे, है ना. तो इसमें देखो आप इसको सब सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 1641, तो यहाँ से दो कैंसिल हो जाएगा, 10/2 इस फॉर्म में आएगा. सो दिस वी हैव 41/4 माइनस 10/2, इसका क्या आएगा 21/4. सो व्हाट इज द इट्स ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द बॉक्स ऑफ पी स्क्वायर, दिस विल बी 5 point something, तो आंसर दिस वी हैव 5. ओके, तो आंसर इसका क्या आ गया, 5 आ गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज इक्वल रूट्स, वेयर ए बी सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द अपोजिट टू द वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ, इसकी रेंज में आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, कितने इंटीजर्स आएंगे. तो फर्स्ट वी हैव द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो देन डी इज इक्वल टू 0, सो वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. ये क्लियर हुआ. नाउ वी टेक दिस एक्सप्रेशन, साइन ए अपॉन साइन सी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए. ओके, सो हियर वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन ए सी, साइन ए साइन ए साइन सी, इसको देखो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर सी अपॉन साइन ए साइन सी, इसको आप क्या है स्मॉल ए सी में चेंज कर लो, तो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए सी. सो ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यू कैन राइट ऑन इक्वल टू व्हाट, सो यू नो हियर वी हैव कॉस बी, cos b इज इक्वल टू वी हैव ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वी हैव 2ac. सो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, वो अपने वहाँ पे रख देंगे. तो देखो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2ac प्लस cos b प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, ये अपॉन में 2ac, ये वैल्यू डाला है अपॉन में ac, सॉरी ac है ना. देखो ये आपके पास में किस फॉर्म में आया था अभी, 2ac cos b एंड माइनस प्लस का बी स्क्वेयर हो गया अपॉन में ac, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी है यहां पे 4ac आएगा. सो दिस विल बी 2 cos b प्लस 4, इस फॉर्म में आ गया ये दिस एक्सप्रेशन इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट, साइन ए अपॉन साइन सी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए. ओके, अब इसमें देखो आपके पास में कॉस भी यू नो वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो कॉस भी 1 तो हो नहीं सकता, अगर 1 हो गया तो बी एंगल विल बी 0, -1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता. तो आपके पास में इसकी जो वैल्यू है ना वो किस किस के बीच में दौड़ेगी यहाँ पे, सो 6 and 2 के बीच में, 6 and 2 के बीच में रहेगी, नॉट इक्वल टू, देखो ऐसा आएगा 2 cos b प्लस 4, सो दिस वेरीज फ्रॉम हियर 2 to 6. ओके, तो आपके पास में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 से 6 के बीच में दौड़ रही है,
So how many number of integers are there between 2 and 6? These are 4 and 5. So we have the two integral values. ठीक है, तो आपके पास में इन द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी हैव द टू इंटीग्रल वैल्यूज विच आर 4 एंड 5. तो ये बेटा आपके क्या है, फुल सिलेबस का मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन था. ओके, थैंक यू.